देखिए बचपन की जब बात करते हैं तो एक कई तरह के दरवाज़े खुलते हुए दिखाई देते हैं। मेरा बचपन जहाँ गुज़रा वो कैसी जगह थी, वो कैसे लोग थे, वहाँ क्या बातचीत होती थी, उनके क्या कंसर्न थे, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए शहर से एक छोटा सा शहर की कल्पना कीजिए, छोटे से शहर के एक कोने पर एक टीला था, एक बड़ा टीला था जिसको पता नहीं क्यों किला कहा जाता था, क्योंकि शायद वो पहले किसी प्राचीन काल में कोई किला रहा होगा लेकिन अब वो ध्वस्त हो गया था। उसके ऊपर कुछ मकान बने थे, चढ़ाई जो थी उसकी, टीले की चढ़ाई, उसके ऊपर इतने ज़्यादा पेड़ थे और झाड़ियाँ थीं कि नीचे से वो मकान दिखाई नहीं देते थे और मकानों में रहने वाले नीचे नहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से वो पेड़ों से, लताओं से, झाड़ियों से घिरा हुआ टीला था। उस टीले के नीचे जो है वो तालाब थे, नीले तालाब थे जिसमें के बारह महीने पानी भरा रहता था, और जो चिड़िया हैं, जो दूसरे छोटे मोटे जानवर हैं, सियार हैं, लकड़बग्घा है, लोमड़ी है, सांप हैं, ये सब हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा हुआ करते थे। घर में बहुत से जानवर पले हुए थे। जो घर था हमारा, तो उस घर में लगभग 20-25 लोग रहा करते थे, ज्वाइंट फैमिली थी जहाँ सारे लोग मिलजुल करके रहते थे। हमारे दादा जो हैं वो बड़े विलक्षण किस्म के पुराने विचारों के आदमी थे, तो उनको पेड़ों से, फूल पौधों से, जानवरों से बड़ा प्यार था। तो ये और हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी को पढ़ने का बहुत शौक था, वो जिस परिवार से आई थी वहाँ पढ़ाई लिखाई का जोर था, तो वो उर्दू और फारसी के जो क्लासिक्स हैं उनको पढ़ा करती थी। और कभी हम लोग पूछते थे कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो उनका जी चाहता था तो कुछ हमें थोड़ा सा सुना देती थी, क्योंकि हम नहीं पढ़ पाते थे तो वो हमको सुना देती थी। तो वहाँ से रुचि जो है वो लिखे हुए शब्दों के प्रति वहाँ से रुचि पैदा होना शुरू हुई। बाकी लोग जो थे उनको पढ़ने से तो कोई बहुत शौक़ नहीं था, लेकिन एक प्रकार से सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से उनका विकास था, जैसे कि कविता को समझते थे, कलाओं को समझते थे, और इस तरह से उनको एक सांस्कृतिक चेतना उन लोगों के अंदर थी। और आप जानते हैं कि उस ज़माने में कवि होना या शायर होना जो है माना जाता था कि ये एक पढ़े लिखे आदमी की, समझदार आदमी की पहली पहचान है। अगर वो कवि नहीं है, अगर वो शायर नहीं है, तो वो सभ्य नहीं है। तो इसलिए सारे लोगों को उसमें रुचि लेना आवश्यक होता था। तो इस तरह का माहौल था। हम तीन भाई थे, बहन हमारी, तो इस तरह से बचपन जो गुज़रा वो कह सकते हैं आपके खुले आसमान के नीचे। तो यही होता है कि आजकल जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि खुला आसमान देखूँ, खुले आसमान के नीचे आ जाऊँ, जो कुछ मुश्किल है आजकल। तो इस तरह से प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जो संबंध थे, जैसे एक पेड़ हुआ करता था जिसको कहते थे जंगल जलेबी, उसमें एक फल लगता था जो जलेबी के आकार का होता था, तो उसको हम लोग तोड़ते थे, और पेड़ में चूंकि कांटे बहुत होते थे तो उसको ईंटा मार के, पत्थर मार के उसको गिराया जाता था, और फिर जब वो नीचे गिरता था तो उसको खाते थे। इसी तरह कुछ पेड़ों में गोंद होता था, गोंद खाना बड़ा पसंद था। कुछ फूल ऐसे होते थे जिनको खा सकते थे, वो फूल खाए जाते थे। तो इस तरह का ऐसा माहौल था कि जो प्रकृति से, लोगों से बहुत नज़दीक था लेकिन बाहर की दुनिया से कटा हुआ था। वहाँ आने जाने वाले लोग, वहाँ
इतने सीमित थे कि वो वर्षों से वही लोग थे जो आते थे, वही लोग थे जो जाते थे, वही लोग वहाँ रहते थे, वही सब कुछ एक रास्ता वाला था मामला। तो हमें जो परिवर्तन होता था हमारे जीवन में वो ऋतुओं से होता था। जैसे बरसात आ गई तो बरसात हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज करती थी, और बरसात में ज़मीन के अंदर से कुछ कीड़े निकलते थे। एक कीड़ा होता था उसको कहते थे बीर बहोटी, वो लाल रंग का होता था, बहुत मखमली उसकी वो होती थी, तो उसको हम लोग पकड़ के अपने हाथ पे रखते थे। केचुए होते थे, केचुए निकलते थे। इसी तरह से और भी दूसरे छोटे मोटे जानवर, रात में उनकी आवाज़ें, झींगरों की आवाज़ें इतनी होती थी कि लगता था कि कोई मतलब लाउड स्पीकर पर आवाज़ें आ रही। चारों तरफ पानी भरा होता था तो वो सारे मेंढकों की आवाज़ें आती थी। तो इस तरह से मौसम हमारे लिए बदलाव लाते थे। गर्मी का मौसम आया तो चांदनी रात है, चांदनी रात इस तरह होती थी जैसे धूप निकली हो, इतनी इतनी तेज़ और सीधी चांद की रोशनी वहाँ आती थी, क्योंकि पर्यावरण साफ था, हवा में कोई धूल नहीं थी, हवा में कोई पोल्यूशन नहीं था। जाड़े आते थे, बरसात आती थी, गर्मियाँ होती थी। गर्मियों में सब लोग तहखाने में जाके सोते थे, जिसको कि भुई धारा कहते हैं, ज़मीन के नीचे, और बिजली नहीं थी, हाथ वाले पंखे थे या छत वाले पंखे थे जिनको कोई घसीटता था डोरी और वो पंखे चलते थे। तो इस तरह का एक माहौल था जहाँ हमारा, हम लोगों का बचपन या मेरा बचपन यहाँ बीता। तो एक तरह से बहुत ही सुखद और बहुत ही बिना किसी चिंता के, और चूँकि प्रकृति से बहुत नज़दीकी थी तो इसलिए किसी चीज़ का कोई अभाव महसूस नहीं होता था। और ये भी होता था कि वहाँ जो लोग रहते थे उनके लिए भी कोई अभाव नहीं था। जैसे मान लीजिए कि कुछ फसल पे किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ देना है, तो वहाँ कभी कोई सोचता नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि इतना हो रहा है कि उनको देने में, किसी को खिलाने में कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरह से जो कृषि समाज होता है तो कृषि समाज की एक उदारता होती है कि किसान ये समझता है कि हम फिर पैदा कर लेंगे, ये कोई हमने ख़रीदा तो है नहीं, ये तो हम ले सकते हैं फिर, तो वो देने में हिचकिचाता नहीं है, उसको बाज़ार से वो चीज़ लानी नहीं पड़ी बल्कि उपजी है उसके यहाँ। तो एक प्रकार की उदारता वाली जो मानसिकता होती है वो बन जाती है। तो ये वो माहौल था जिस माहौल में मैंने आंखें खोली और जहाँ मैं पला बढ़ा। देखिए परिवार में जैसा कि मैंने कहा है कि पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज़बरदस्त जोर तो नहीं था, लेकिन हमारी माँ जो हैं वो पढ़ती थी, क्लासिक्स पढ़ने का उन्हें शौक़ था, उर्दू के क्लासिक्स, जैसे एक क्लासिक है पंडित रतन नाथ सरशार, एक उर्दू के बहुत बड़े लेखक हुए, उनका एक महाग्रंथ है, उसको आप महाकाव्यात्मक उपन्यास कह सकते हैं, उसका नाम है फसाना आज़ाद, जिसका प्रेमचंद ने संक्षिप्त रूपांतरण किया है आज़ाद कथा के नाम से, लेकिन मूल ग्रंथ जो है वो कम से कम 4000 पेज का है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो कई वॉल्यूम में है। तो ये वो पढ़ा करती थी। एक और इसी तरह का क्लासिक है वो पढ़ती थी। और बाद के दिनों में जो लोकप्रिय साहित्य उस समय का था, जैसे जासूसी दुनिया नाम की किताब आती थी जो मंथली थी, हर महीने में आती थी, उसे पढ़ती थी। इसी तरह से एक रोमानी दुनिया भी थी उन्हीं लोगों की, वो थी। और इस तरह से पढ़ने लिखने का वहाँ
अखबार आता था, उर्दू का अखबार भी लोग पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि लाइब्रेरी हो या बहुत ज़्यादा किताबें हों और उसी में लोग लगे हों किताबों में, ऐसा वातावरण नहीं था। अब सवाल पैदा हुआ हम लोगों की पढ़ाई का, यानी मैं और मेरा भाई, हम लोगों में 1.5 साल का, 1.5-2 साल का फ़र्क है, तो ये सोचा गया कि ये दोनों का नाम स्कूल में लिखवाया जाए, लेकिन ये शायद इनको क्लास में अकेला लगेगा, तो दोनों भाइयों का एक ही क्लास में लिखवा दो, तो एक दूसरे को उससे बड़ा सहारा रहेगा, एक दूसरे को देख करके इनको आश्वासन होगा कि हम अकेले नहीं हैं। तो इसकी फिक्र किए बिना कि उनके उम्र में फ़र्क है, एक ही क्लास में नाम लिखवा दिया गया, और जो वहाँ का सरकारी स्कूल था, जिसको के नॉर्मल स्कूल कहा जाता था उस ज़माने में, वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई बहुत ही रवायती ढंग से होती थी, मतलब वो म्यूनिसिपल बोर्ड की स्कूलों जैसा तो नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी या बैठने के लिए बेंचें थीं, लेकिन फिर भी कोई वो बहुत भव्य नहीं था स्कूल। इमारत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनवाई हुई थी। टीचर जो थे, उनमें से वो टीचर ज़रूर याद हैं जो बच्चों को मारते थे, मारने वाले टीचर याद रह गए। तो एक टीचर थे, तो वो छोटी छोटी गलतियों पर, एक टीचर थे जो संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो संस्कृत में वो रूप याद करने को देते थे, तो रूप याद नहीं हो पाते थे लड़कों को, या अगर होते थे तो हमेशा गलत हो जाते थे, तो वो भी काफ़ी सख्ती करते थे। एक मास्टर थे, उनका वो युवा थे, उनका नाम था हनुमान प्रसाद, तो उनका लड़कों को मारने का तरीका बड़ा अलग सा था। वो लड़कों को बुला के और उनका सिर जो है अपने पैरों के बीच में दबा लेते थे, और दबा करके फिर पीठ पर मारते थे वो। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़के को इसी तरह से वो मार रहे थे, तो लड़के ने अपने आप को किसी तरह छुड़ा लिया, और छुड़ा के वो भागा। लड़के का घर पास में था स्कूल के, और उसका पिता जो है वो था हलवाई, तो वो जाके अपने घर में घुस गया। तो वो जब भागा तो मास्टर साहब उसको पकड़ने के लिए दौड़े, तो हम लोग सब मास्टर साहब के पीछे दौड़े कि भाई तो क्लास में तो बड़ी अशांति हो गई। वो जब घर में घुस गया तो मास्टर जी वहाँ पहुँचे और उसके पिताजी से कहा, लड़के के जो हलवाई था, कि उसको निकालो बाहर और हम इसको मारेंगे। बहुत गुस्से में थे मास्टर साहब, तो हलवाई ने कहा कि आप शांति से बैठ जाइए, हम निकाल देंगे, आप उसको मार लीजिएगा, लेकिन ये लीजिए लोटा, हाथ मुँह धोइए, ठंडा पानी दिया और उनको एक दोने में, पत्ते में बहुत ही अच्छी बनी हुई ताज़ी कलाकंद दी। तो वो जब वो 1.5-1.5 पाव कलाकंद उन्होंने खा ली, तब उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि अब जब भी स्कूल आएगा तो हम इसको मारेंगे ज़रूर। तो उन्होंने कहा हाँ, जब आए आप मारना। तो लेकिन वो स्कूल फिर कभी नहीं आया, तो उसकी पढ़ाई वहीं से ख़त्म हो गई, तो वो कभी बाद में भी मिलता है। तो इस तरह से स्कूल का वातावरण था, जहाँ पढ़ाई ज़रूर होती थी, लेकिन बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई होती, पुराने स्टाइल का, पुराना ज़माना। वहाँ से 8वीं पास करने के बाद जो GIC कहलाता था, मतलब जो कि इंटरमीडिएट तक का कॉलेज था, वहाँ आ गए। वहाँ आने मतलब पढ़ाई में, देखिए मैं हमेशा से, कोई मुझे बहुत रुचि नहीं थी,
टीचर पढ़ाया करते थे, घर में भी जो ट्यूशन करने आते थे वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते थे, तो मैं सोचा करता था इधर उधर की बातें। जैसे मैं ये सोचता था कि अब तालाब में कमल के फूल खिल गए होंगे, अब जो है वो अमरूद पक गए होंगे, अब जो है वो बुलबुल नाम की जो चिड़िया है वो आती होगी, और बुलबुल को पकड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और इस तरह के फूल जो हैं वो अब कहाँ मिलेंगे, ये सब सोचा करता था। और टीचर पढ़ाते रहते थे, पढ़ाते पढ़ाते वो पूछते थे कि समझ गए, तो मैं कहता था हाँ समझ गया, तो टीचर ही कहते थे बड़ा समझदार लड़का है, बहुत जल्दी समझ जाता है, एक ही बार में इसको बताओ कुछ और ये समझ जाता है। टीचरों को इतना विश्वास था मेरे ऊपर कि वो पूछते नहीं थे ये क्या समझे, है ना, ये नहीं पूछते, बस मेरे कहने पर विश्वास कर लेते थे कि हाँ ये कह रहे हैं तो समझ गए। तो इस तरह से पढ़ने में तो ऐसी कोई रुचि बन नहीं पाई थी, लेकिन स्कूल की जो फुटबॉल की टीम है उसमें मैं खेलने लगा था, तो फुटबॉल के मैच की घोषणा क्या मतलब वो तय होता था, तो वो जो टीम के मेंबर थे उनको बताया जाता था। तो स्पोर्ट्स का चपरासी जो है वो हमारी क्लास में वो रजिस्टर लाया करता था, जिसमें कि जो अध्यापक पढ़ा रहा होता था वो बताता था कि फलां दिन मैच है, और इस क्लास से मेरा नाम लेता था कि उसको जाना है, वो टीम में है। तो मेरे लिए मतलब वो एक बात होती थी ऐसी इस क्लास में कि जो थोड़ी सम्मान की होती थी, बाकी पढ़ाई वढ़ाई में कोई ऐसी ख़ास दिलचस्पी थी नहीं। हाई स्कूल में जब पहुँचे तो एक रोचक घटना घटी। हाई स्कूल में थे तो एक टीचर आए एक दिन, उनके दाढ़ी थी, शेरवानी पैजामा पहने थे वो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को कहा, कुछ लड़कों को जो कि एक तरह से मुस्लिम बैकग्राउंड के लड़के थे, कि तुम लोग उर्दू ले लो हाई स्कूल में। तो हम लोगों ने कहा कि जी उर्दू तो हमने पढ़ी नहीं है, हमने तो हमें उर्दू आती नहीं, हमने पहली से उर्दू नहीं पढ़ी, तो अब आठ वो दसवीं में कैसे ले लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं ले लो, मैं तुम्हें अलिब्बे से पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने दसवीं में उर्दू नहीं ली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो हम लोगों ने कहा ये तो बड़े अफसोस की बात होगी कि मौलवी साहब की नौकरी चली जाए। तो हम लोगों ने फिर उर्दू पढ़ी दसवीं में, तो मतलब ये कि पहली से ले कर नवीं तक बिल्कुल नहीं पढ़ी, केवल दसवीं में पढ़ी, और दसवीं तक स्कूल रहा हमारा। स्कूल में एक दिन हमारे निराला आए थे, हिंदी के विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो आए थे। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये निराला है, बाद में जब मुझे वो पुराना चित्र देखने के लिए उनका एक मिला, तब मुझे ये पता चला कि हाँ वो निराला थे। और वो आए थे हमारे वाइस प्रिंसिपल, उनको एक जीप में बिठा के लाए थे, और उन्होंने गेरवे वस्त्र पहन रखे थे पूरे, और दाढ़ी और लंबे बाल थे, और बड़ी आँखें बड़ी तेज था आँखों में। और बहुत कमाल की बात ये थी, अनहोनी बात ये हुई कि वो जब बोलना शुरू किया उन्होंने तो वो अंग्रेज़ी में बोले। तो स्कूल में अंग्रेज़ी कितने लड़कों को उतनी आती थी कि उनकी बात को समझे, और हम लोगों को ये बताया गया था कि हिंदी के बहुत बड़े कवि आ रहे हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगा कि वो अंग्रेज़ी में क्यों बोल रहे हैं। लेकिन वो शायद उस ज़माने में उनकी मनस्थिति निराला जी की कुछ ऐसी थी कि जो साधारण नहीं थी, इस वजह से वो अंग्रेज़ी में बोले। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे अगर कोई सवाल पूछना है किसी को तो वो भी अंग्रेज़ी में पूछे। तो अब पूरे स्कूल में इतनी अंग्रेज़ी किसी को नहीं आती थी कि वो उनसे सवाल अंग्रेज़ी में पूछे। केवल एक लड़का था जो ये सवाल पूछ सकता था अंग्रेज़ी में,
तो उसने उनसे अंग्रेज़ी में सवाल पूछा था। क्या सवाल था मुझे नहीं याद, लेकिन उसने सवाल पूछा था। तो और कोई इस तरह की साहित्यिक या सांस्कृतिक कोई घटना नहीं हुई। खेल कूद ये वो सब होता था, पढ़ाई भी थी। गणित में मैं बहुत कमज़ोर था और सबको ये लगता था कि गणित में मैं हाई स्कूल में पास ही नहीं हो सकता, लेकिन एक चमत्कार हो गया था जिसके कारण मैं पास हो गया। तो ये स्कूल था और स्कूल में काफ़ी मैंने ये है कि कुछ अध्यापकों के अलावा बाकी सब बहुत अच्छे अध्यापक थे और कुछ पढ़ाई भी होती थी, खेल कूद भी था। इंटरवल में हम लोगों को उबले हुए चने मिलते थे खाने के लिए और पियाऊ में एक आदमी बैठा रहता था जो कि एक ताज़ा साफ मटका होता था, उससे वो पानी पिलाया करता था लोगों को। तो ये बीच में जो गैप होता था, घर से स्कूल जाने का रास्ता हम लोगों का बड़ा रोचक था। तो अमरूद के बाग के अंदर से होते हुए निकलते थे, जहाँ कभी कभी पुराही चल रही होती थी, कुएं से पानी निकाला जा रहा होता पुर से, तो वो हम लोग पानी पीते थे, अमरूद खाते थे और पानी पी करके अमरूद खाते हुए स्कूल पहुँचते थे। तो इस तरह से वो स्कूल जाना भी एक मनोरंजन, एक तफरी, एक मज़े की बात, एक रोचक बात थी। घर का जो वातावरण था उसमें हम लोगों के ऊपर काफ़ी पाबंदियां थीं। सूरज डूबने से पहले घर लौट आओ, गोली मत खेलो, पतंग मत उड़ाओ, लड़कों के साथ मत घूमो, वगैरह वगैरह इस तरह की पाबंदियां थीं। हाई स्कूल पास करने के बाद जब अलीगढ़ गए पढ़ने के लिए तो वहाँ हॉस्टल में रहे और अचानक वो सारी पाबंदियां जो लगी हुई थी घर में वो ख़त्म हो गई। तो एक तरह से वो सब कुछ जो करना चाहते थे उसके लिए छूट। एक काम जो मुझे बचपन से बहुत पसंद था और जो घर के लोग नहीं करने देते थे वो था चित्र बनाना, तस्वीरें बनाना। आपको ध्यान होगा या आपकी जानकारी में होगा कि उस ज़माने में, यानी सन 40 के 45 के 50 के आसपास की बात है, कि जो संभ्रांत घर होते थे वहाँ चित्रकला को या चित्रकार को बड़ी हे दृष्टि से देखते थे और ये मानते थे कि ऐसे लोग हैं कि जो अनैतिक होते हैं, जो शराब पीते हैं, जो लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं, साहब जीवन सही ढंग से नहीं बिताते हैं, जेंटलमैन नहीं हैं ये लोग, इनके पास पैसा भी नहीं होता, ये गरीबी में रहते हैं और ये अपनी धुन में रहते हैं, समाज की इन्हें कोई फिक्र नहीं होती। तो इसलिए चित्रकारों की ये इमेज थी। तो मेरे घर वाले डरते थे कि कहीं ये ना चित्रकार हो जाए, है ना। इस डर के कारण उन्होंने कहा था कि तुम चित्र नहीं बना सकते हो, कागज़ नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं। जब अलीगढ़ आया तब मुझे ये लगा कि अच्छा अब तो मुझे और पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अलीगढ़ में हुआ करती थी उस ज़माने हॉबीज़ वर्कशॉप में एक पेंटिंग की होती थी जहाँ आप पेंटिंग सीखें। फौरन मैंने जाके वो ज्वाइन कर ली। हमारे एक वहाँ अध्यापक थे जो आते थे पेंटिंग सिखाते थे। पेंटिंग क्या सिखाते थे, कहते थे ठीक है अपना करो बनाओ, ठीक कुछ राय मशवरा। इस पेंटिंग वर्कशॉप में मेरे क्लास फेलो और मेरे मित्र जो आजकल बड़े मशहूर फिल्म मेकर हो गए हैं, जिनका नाम है मुजफ्फर अली, जिन्होंने उमराव जान बनाई, तो ये क्लास फेलो थे।
तो ये भी इनको भी बहुत रुचि थी कला में, आर्ट में, तो हम दोनों वहाँ जाया करते थे। एक दो और साथी थे वो भी जाते थे। तो अलीगढ़ के माहौल में एक तरह की आज़ादी मिली। दूसरा ये है कि जो बचपन से जो शौक़ थे साहित्य के, कलाओं के, शायरी के, तो अलीगढ़ में उसके लिए खुला एक मैदान था, जहाँ पर कवि गोष्ठियाँ होती थीं, शायर थे, कवि थे, उनके साथ बैठकें होती थीं, कॉफ़ी हाउस था, टी हाउस, मतलब वहाँ पूरा का पूरा वातावरण जो है वो साहित्य और कलाओं से डूबा हुआ था। तो अब मैंने और मेरे साथ साथ मुजफ्फर ने भी और एक दो मित्रों ने, हम लोगों ने पूरी तरह से साइंस की पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और सिर्फ हम कला में लग गए। कोई साहित्यिक बैठक हो रही है वहाँ हम मौजूद हैं, कोई शायरी का हो रहा है वहाँ हम मौजूद हैं, कोई सेमिनार हो रहा है हम वहाँ पर मौजूद हैं, कोई बड़ा लेखक आ रहा है हम उसको लेने स्टेशन पहुँच गए। तो मतलब ये कि हमें ये चिंता नहीं थी कि हमें पास होना है, हम साइंस कर रहे हैं BSc। तो जब परीक्षा पास आई तो मैंने सोचा है कि अब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पास होने के लिए हमने सोचा कि यार सिफारिश करवाई जाए। तो हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, KP सिंह। तो हमने उनसे कहा कि आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में फला फला को जानते हैं और हम दो लोगों की सिफारिश कर दीजिए कि हमको ज़रा प्रैक्टिकल में हमारा ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा चलो। तो वो हमें लेके गए केमिस्ट्री टीचर से कहा जो हमारा परीक्षा लेने वाले थे, जिन्होंने पढ़ाया भी था साल भर, कि ये दो आपके स्टूडेंट हैं। तो केमिस्ट्री टीचर ने हम लोगों को ध्यान से देखा और कहा कि नहीं, ये मेरे स्टूडेंट तो नहीं हैं। हम लोगों ने कहा नहीं सर, हम आप ही के स्टूडेंट हैं। वो कहा कि नहीं, आप लोगों को तो कभी क्लास में नहीं देखा, आप कैसे हमारे स्टूडेंट। अब ये जो सिफारिश करने गए थे ये बड़े शर्मिंदा हुए और इन्होंने बाद में हम लोगों को बड़ा डांटा कि तुम लोग ले गए थे सिफारिश कराने और तुम्हारा हाल ये है कि तुम लोग कभी क्लास भी नहीं गए। हमने कहा अब क्या करें, अब देखिए तो हो ही गया ऐसा। खैर नतीजा निकला, फेल हो गए। फिर सप्लीमेंट्री में बैठे, फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से साहब साइंस पढ़ते पढ़ते ये हालत हो गई कि मुसीबत लगने लगी। किसी तरह से थर्ड डिवीज़न में BSc पास किया। सब्जेक्ट थे जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी। तो ये बात समझ में आई कि साइंस में रुचि तो है नहीं। अगर साइंस के किसी सब्जेक्ट में MSc में एडमिशन मिल भी जाता है तो वहाँ से भी थर्ड डिवीज़न पास करेंगे, तो थर्ड डिवीज़न MSc पास करके क्या होगा। नंबर वन, अगर कोई नौकरी वोकरी मिल भी गई साइंस से रिलेटेड तो पूरा जीवन जो है वो एक ऐसे काम में बिताना पड़ेगा जिसमें हमें रुचि नहीं, फिर क्या करें। साहित्य में चूंकि रुचि है तो साहित्य में MA किया जाए। 3-4 बल्कि 5 तरह के साहित्य वहाँ उपलब्ध थे करने के लिए, जैसे उर्दू साहित्य था, अंग्रेज़ी साहित्य था, हिंदी साहित्य था, फारसी साहित्य था और अरबी साहित्य था। इन सारे साहित्यों में केवल उर्दू या हिंदी दो में हम MA कर सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ी आती नहीं थी और अरबी फारसी भी नहीं आती थी। अब ये चॉइस हुआ कि उर्दू में MA करें कि हिंदी में करें। क्या इस दौरान मैंने लिखना शुरू कर दिया था तो मैं हिंदी में लिखता था। तो ये सोचा कि चूंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी का लेखक हूँ, कुछ छपने भी लगी थी रचनाएं इधर उधर, तो इसलिए क्यों ना हिंदी में MA किया जाए। भाई अच्छा है, ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोगों की भाषा है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। और हिंदी पढ़ी भी है हाई स्कूल तक, उर्दू तो पढ़ी भी नहीं थी, उर्दू बहुत कम आती थी।
और केपी सिंह जो थे उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने भी इनकरेज किया कि भाई हिंदी में कर लो, एमए हिंदी में करो, बहुत अच्छा है। तो फॉर्म भर दिया हिंदी में एमए का। एडमिशन के टाइम जो हेड थे पंडित जी, पंडित हरबंस लाल शर्मा, उन्होंने कहा कि ये तुम हिंदी में क्यों करना चाहते हो, तुमने तो कभी हिंदी पढ़ी भी नहीं, बीए में हिंदी नहीं थी तुम्हारे पास, साइंस से तुमने बीए किया, आती है तुम्हें हिंदी? तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं कहानी वानी लिखता हूँ हिंदी में। कहने दिखाओ, तो मैंने उनको कुछ छपी हुई, उस ज़माने में एक लहर नाम की पत्रिका निकलती थी अजमेर से, और इसी तरह की छोटी पत्रिकाएँ, तो उनमें छपी हुई थी कहानियाँ, उनको दिखाई। तो वो देख के कहने लगे कि मेहनत करना पड़ेगी। मैंने कहा हाँ साहब ठीक है। तो इस तरह से हिंदी एमए में एडमिशन हुआ। हिंदी एमए में एडमिशन से पहले मैं ये सोचता था कि बड़ा अच्छा रहेगा, साहित्य पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, साहित्य में हमारी रुचि है। लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुई तो लगा कि ये कहाँ आके फंस गए, ये तो मतलब कुछ ऐसा हो गया कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। टीचर जिस तरह से पढ़ाते थे, जो कोर्स थे, जो उनका तरीका था पढ़ाने का, वो इतना नीरस और इतना उबाऊ और इतना औपचारिक था कि उसमें कोई मज़े नहीं आता था। तो ये लगता था कि यार ये तो और मुश्किल होगी। अच्छा, फिर ये कि मध्यकाल की कविता पढ़ाई जाती थी। अच्छा, मध्यकाल मैंने कभी पढ़ा नहीं था जीवन में, वो एमए में पढ़ना था। ब्रिज और राजस्थानी और अवधी, इन सारे महाकाव्य थे, वो ठीक से समझ में ना आए, टीचर बताए नहीं ठीक से, बड़ी मुश्किल थी। अब क्या करें, लेकिन और कोई रास्ते ही नहीं, अब तो करना है हिंदी में एमए। तो हिंदी में एमए के दौरान जो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं अलीगढ़ की थी उस ज़माने में, उनमें और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई। केपी सिंह और राही मासूम रज़ा ने मिल करके वहाँ संगम नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के लेखकों को बुलाते थे और रचनाएं पढ़ी जाती थीं। उसमें बहुत सक्रिय हो गए हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने खुद मिल करके एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा हमराही। हमराही में हम लोग आते थे, बैठते थे। तो हमराही की एक विशेषता ये थी कि इसमें किसी तरह की विचारधारा का कोई बंधन नहीं था। मतलब हमारे साथ ऐसे भी लोग थे जो बड़े कट्टर मुल्ला थे, मतलब उनको बड़े धार्मिक थे वो। हमारे साथ ऐसे भी लोग थे जो किसी धर्म को नहीं मानते थे। हमारे साथ ऐसे भी लोग थे कि जो बहुत हार्ड कोर जो है कम्युनिस्ट थे, विचारधारा के थे। लेकिन सबको मालूम था कि दूसरे की विचारधारा हमसे अलग है, तो हम इसके बारे में उससे कोई बहस मुबाहसा नहीं करेंगे, हम तो रचना को देखेंगे, रचना पढ़ेंगे, अच्छी लगती हमको तो रचना की बात करेंगे। तो हमराही की काफ़ी साल भर तक या दो साल ये सक्रिय रही। हम लोगों ने जो एक एनुअल फंक्शन किया था हमराही का, उसमें वाइस चांसलर को बुलाया। और ये बात मज़े की है, आप और विश्वविद्यालयों में भी होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के लोगों को जो स्पोर्ट की टीम में होते थे, जैसे यूनिवर्सिटी हॉकी टीम, यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से डाइट मिलती, स्पेशल डाइट मिलती थी। जैसे उनके लिए रात में दूध आता था, दूध पियो, क्योंकि कितना खेलना है, फिज़िकल काम करना है। उनको अंडे मिलते थे खाने के लिए। तो हम लोगों ने वाइस चांसलर से मीटिंग में शिकायत की कि देखिए हम लोग कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता साहब, एक अंडा भी आप लोग नहीं देते, है ना, जबकि ये भी बड़ी मेहनत का काम है, साहित्य सेवा कर रहे हैं हम लोग,
खिलाड़ियों को आप लोग खिलाते हैं, हमें नहीं खिलाते। तो खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ये है कि हमराही ने काफ़ी साल तक काम किया और एक किताब भी छपी उस समय, जिसमें उस हम लोगों की उस समय की रचनाएं शामिल हैं। अलीगढ़ में काफ़ी कुछ उस समय, दो साल जो एमए करता रहा, बाद में पीएचडी वहीं से किया, तो बहुत बड़े बड़े वहाँ कवि थे उर्दू के, हिंदी में भी थे, जैसे नीरज अलीगढ़ में थे उस ज़माने में, विश्वविद्यालय में नहीं थे, बाहर थे, लेकिन नीरज थे वहाँ। रवींद्र भरमर एक कवि हुआ करते थे हिंदी के, वो थे। उर्दू के कवियों की तो पूरी गैलेक्सी थी, एक से एक बड़ा कवि उर्दू का वहाँ मौजूद था। तो इन सारे लोगों से, और फिर जो गोष्ठियाँ होती थी वहाँ पर, इसमें चुगताई आ रही हैं, कभी कभी कुरतुलैन हैदर आ रहे हैं, कभी राजेंद्र सिंह बेदी आ रहे हैं, कभी कृष्णंदर, मतलब ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था जो उस समय वहाँ ना आता हो। और फिर उनसे हम लोगों की बातचीत, इसी तरह से नामवर सिंह आ रहे हैं वहाँ पर, विश्वनाथ त्रिपाठी आ रहे हैं, हबीब तनवीर आ रहे हैं, कमलेश्वर बहुत आते थे वहाँ, अलीगढ़ को बुलाया जाता था। तो अलीगढ़ के वो दो साल और उसके बाद के एक दो साल जब तक पीएचडी करता रहा, ऐसे थे जिसमें एक साहित्य का बड़ा ही एक इनरिच करने वाला अनुभव हुआ। कमलेश्वर की कहानियाँ सुनी, उनके भाषण सुने नामवर सिंह के, उर्दू के उर्दू की कविता, उर्दू की कवियों से परिचय हुआ। उर्दू हिंदी का जो मेल है, कहाँ किस तौर पर कैसे देखा जा सकता है, वो सब देखने के लिए मिला। और रही मासूम रज़ा थे वहाँ, उनका भी बड़ा एक दिलचस्प जीवन था। पीएचडी वहाँ वो कर रहे थे, और उस ज़माने में भी वो बड़े स्थापित कवि और साहित्यकार थे, लेकिन वहाँ पीएचडी कर रहे थे। उनका काम ये था कि वो अपने घर से सुबह 11 बजे निकलते थे और एक रॉ सिल्क की शेरवानी और सूखे उनके बाल और चौड़े पैंचे का पैजामा और सलीम शाही जूते ये पहनते थे, और हाथ में बटुआ और पान की डिबिया, और रिक्शा करते थे। रिक्शे पे बैठ करके वो फैकल्टी आते थे और उर्दू में पीएचडी कर रहे थे, आले हमें सुरूर के सुपरविजन में। जैसे ही डिपार्टमेंट आते थे, वो डिपार्टमेंट की सारी लड़कियों को जमा करते थे, एमए करने वाली लड़कियां, पीएचडी करने वाली, और सबको लेके वो कैंटीन जाते थे चाय पिलाने। वहाँ सब बैठ के चाय पीते थे, एक दो घंटे गपशप होती थी, और फिर राय साहब घर लौट जाते थे। ये उनका रूटीन था। किसी ने उनके हेड से शिकायत कर दी एक दिन कि साहब राही साहब आते हैं, ये करते हैं, और काम तो अपना कर नहीं रहे वो पीएचडी का। तो उनके गाइड जो थे सुरूर साहब, उन्होंने एक दिन कहा राही साहब से कि भाई राही, तुम काम दिखाओ अपना, काम कहाँ है, काम क्या किया तुमने। तो कहा साहब कल मैं ले आऊँगा। और अगले दिन ये फैकल्टी जो है वो टीन के बड़े बड़े काले बक्से 3-4 ये चपरासियों पर लदवा करके और हेड साहब के कमरे में पहुँचे, और वो बक्से वहाँ रख दिए गए धड़ाधड़। और हेड ने कहा भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ ले आई, ये क्या हो रहा। पीछे पीछे राही साहब आए, उन्होंने कहा साहब ये मेरा काम है, साहब मेरे नोट्स हैं, साहब इनको देख लीजिए। और उन्होंने खोलना शुरू किया बक्सों को, तो कहा नहीं नहीं बंद करो भाई, ले जाओ इनको, यहाँ हटाओ इनको यहाँ से। और फिर उसके बाद उन्होंने कभी राही से ये नहीं कहा कि भाई आपने क्या काम किया, आप हमको दिखाइए। पीएचडी पूरी की उन्होंने, पीएचडी उनको वहाँ से मिली, अलॉट हुई। लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें, लतीफ़े लोगों के काम, जैसे वहाँ की कैंटीन थी, कैंटीन के जो मैनेजर थे वो भी उर्दू के एमए थे और शायर थे। शाम को जब कैंटीन साधारण लोगों के लिए बंद हो जाती थी, तब वो फिर लेखकों और कवियों के लिए खुलती थी,
और वहाँ स्पेशल कॉफ़ी बनती थी और वहाँ शहरयार रही मासूम रज़ा, मुनीबुर रहमान और जज्बी साहब जो मजाज के साथियों में थे, बहुत पुराने शायर, ये सब लोग वहाँ जमा होते थे और फिर जो है वो साहित्य पर, कविता पर चर्चाएं होती थीं। कभी किसी की बुराई का सेशन शुरू हो गया तो उसकी बुराई होती थी लगातार, कभी किसी की प्रशंसा का सेशन आ गया तो वो ही हो रही है, विश्वविद्यालय की राजनीति का जिक्र हो रहा है, देश की राजनीति के बारे में बात हो रही है, कभी किसी नई फिल्म के बारे में बात हो रही है। और ये जो थे कैंटीन के मैनेजर जिनका नाम था जावेद कमाल, इन्हें ये शौक़ था कि दोस्तों को अच्छी फिल्में दिखाएं। तो जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई अलीगढ़ में तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारे दोस्त इसको देखें फिल्म को। तो वो नाइट शो जाते थे वो 9 बजे वाला, क्योंकि कैंटीन बंद करते करते देर लग जाती थी। तो उन्होंने साहब 10 रिक्शे बुलवाए, हर रिक्शे पे 2-2 लोग बैठे, 20 लोग बैठ के गए सिनेमा हॉल। जावेद कमाल साहब ने कहा कोई टिकट नहीं लेगा, मैं सबके टिकट लूँगा। उन्होंने सबके टिकट लिए और वो फिल्म दिखाई और फिर अगले दिन उस फिल्म के ऊपर चर्चा हुई कि उस फिल्म का कौन सा शॉट कैसा था, क्या फ्रेम बनता था, गाने कैसे थे, अभिनय कैसा था, वगैरह वगैरह। तो उनको ये रुचि थी कि अच्छी फिल्मों को लोगों को दिखा के उसके ऊपर बातचीत करें, एक्टिंग के बारे में बात करते थे। और पता नहीं एक बात कही थी उन्होंने, पता नहीं कहाँ तक सच है, एक्टिंग से जिन लोगों का दखल है जानते होंगे, वो कहते थे कि एक्टर के लिए हाथों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, एक्टिंग में वो हाथ कैसे मैनेज करेगा ये उसके लिए एक परमानेंट प्रॉब्लम होती है हाथों को मैनेज करना। और जो एक्टर हाथों को मैनेज करना सीख जाता है तो वो बहुत अच्छा एक्टर होता है। पता नहीं कहाँ तक ठीक है ये बात, लेकिन वो ये कहा करते थे। इसके अलावा उन्हें और भी शौक़ थे, खाना खिलाने के शौक़ थे, अपने घर बुलाते थे खाना खिलाने के लिए। तो अलीगढ़ का उस ज़माने का जो माहौल है वो हिंदी उर्दू साहित्य संस्कृति कला में डूबा हुआ था। चित्रकला की भी हम लोग बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ वहाँ करते थे, जैसे यूरोप के जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं उनकी एग्जीबिशन की बहुत बड़ी। इसके बाद एक नाटक का वहाँ क्लब था, ड्रामा क्लब, ड्रामा क्लब में नाटक होते थे। और ये जो अभिनेता हैं, क्या नाम है इनका, नसीरुद्दीन शाह, तो अलीगढ़ में उस ज़माने में नसीरुद्दीन शाह भी उसी ड्रामा क्लब में थे और वो भी छोटे मोटे रोल करते थे। तो इस तरह से अलीगढ़ का पूरा वातावरण जो है वो एक साहित्यिक सांस्कृतिक भरा पूरा जीवन था जिसमें भागीदारी रहती थी छात्रों की, राजनीति का भी वहाँ राजनीति भी उस जीवन में थी। और इलेक्शन में, छात्र संघ के इलेक्शन में जो चुनाव होते थे वो भी बड़े रोचक होते थे उस ज़माने में। वहाँ छात्र संघ में अगर कोई किसी पद के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको 2 पब्लिक भाषण देने पड़ते थे आम छात्रों के सामने, एक अंग्रेज़ी में और एक हिंदुस्तानी में। और इसी तरह से जो हार वार है उसका भी बड़ा सेलिब्रेशन होते थे, मतलब वो मॉक कॉन्वोकेशन होती थी, मॉक कॉन्वोकेशन बड़े मज़े की होती थी कि पूरी कॉन्वोकेशन का जो बहुत ही गंभीर एकेडमिक इवेंट है उसका एक तरह से मजाक होता, उसकी मौकरी होती थी उसमें, सब चांसलर भी बन जाते थे, उसमें वाइस चांसलर भी बन जाता था एक लड़का, और उसी तरह से सीरियसनेस बनाते थे, लेकिन उस सीरियसनेस के अंदर ही वो हास्य पैदा होता था। तो इस तरह से अलीगढ़ का उस समय का वातावरण जो है बड़ा रोचक था।
देखिए, अलीगढ़ से एमए पास करने के बाद इसकी संभावना थी कि अगर मैं कोशिश करता तो वहाँ नौकरी मिल जाती, लेकिन उस समय काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी आइडियलिस्ट भी था। मैंने ये सोचा कि यार जहाँ पर पढ़ाई की वहीं नौकरी करें, वहीं ज़िंदगी गुजार दें, तो ये तो बहुत ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कुछ नया होना चाहिए, कुछ चुनौती भरा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि जिसके जिसका कोई महत्व हो। तो उसके लिए हिंदी में एमए करने के बाद एक ही रास्ता था और वो था पत्रकारिता, जर्नलिज्म। और पत्रकारिता का जो इलाका था, बहुत नज़दीक था अलीगढ़ से, वो था दिल्ली। तो मैं दिल्ली आया तो यहाँ पर एक ज़माने में एक अखबार निकलता था पैट्रियट, जो सीपीआई के लोग निकालते थे, अरुणा आसिफ अली उसकी चेयरपर्सन थी। तो अरुणा आसिफ अली के नाम में एक सिफारशी खत लाया था प्रोफेसर नूरुल हसन का, जो बाद में शिक्षा मंत्री बने। तो अरुणा जी को मैंने सिफारशी खत दिया तो वो उन्होंने मेरे सामने पढ़ के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगी कि हिंदी में फर्स्ट क्लास एमए करने का ये मतलब नहीं होता कि आप हमारे लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, हमारे लिए भी काम के आदमी होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ये कैसे तय होगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप टेस्ट देंगे, टेस्ट लिया जाएगा आपका, और वो टेस्ट अभी होगा, यहीं इसी समय फौरन। तो जब उन्होंने ये कहा कि यहीं होगा, इसी समय होगा, अभी होगा, फौरन होगा, तो मैं समझ गया कि ये मुझे डरा रही है। भाई ये चेयरपर्सन है इतने बड़े ग्रुप की, इनके पास इतना टाइम होगा कि ये यहाँ अभी फौरन मेरा टेस्ट लें, और ये चाहती हैं कि मैं कह दूं कि नहीं नहीं मुझे टाइम दीजिए, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, तो एक बवाल कट जाएगा, है ना। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा साहब मैं तैयार हूँ अभी देने के लिए टेस्ट, यहीं दे दे। और सोचा बहुत से बहुत क्या होगा, फेल हो जाएंगे टेस्ट में, इससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं, और इससे पहले हो चुके हैं एक दो बार, तो वो कोई नई बात है नहीं हमारे लिए। अब जब मैंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, तब वो परेशान हो गई कि क्या करें। तो उन्होंने एक स्लिप लिखी ब्यूरो चीफ के नाम, गिरीश माथुर, उन्होंने कहा ब्यूरो चीफ के पास चले जाइए, वो टेस्ट लेंगे। ब्यूरो चीफ के पास गया तो वहाँ पर पता चला कि साहब एक बहुत पढ़े लिखे लेकिन बड़े एक अजीब आदमी, उन्होंने मुझसे कहा कि टेस्ट के लिए आए हो, यस का मतलब मालूम है, यस, और नो का मतलब जानते हो, नो, नो क्या होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप यस नो का मतलब तो नहीं पूछ रहे, आपका सवाल क्या है मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा नहीं यही पूछ रहा था, अगर यस नो का मतलब आता है तो जर्नलिस्ट होने लायक भाषा तुम जानते हो, मतलब वो पत्रकारों की भाषा पर व्यंग कर रहे थे कि आज के पत्रकार क्या हैं, यस और नो जानते हैं बस। तो उन्होंने उसी पर्चे पर लिखा कि इनका टेस्ट लिया गया, ये पास हो गए। अब मैं फिर अरुणा जी के पास गया, वो पर्चा दिखाया तो अरुणा जी ने कहा कि आप 3 महीने बाद आइए। तो मैं ये समझ गया कि ये तो टालने वाली बात है, और उसी आदमी के पास फिर जाना चाहिए जिसने यस और नो का टेस्ट लेके पास किया। तो मैं गिरीश माथुर जी के पास आया, मैंने कहा सर आपने मुझे पास किया और अरुणा जी कह रही हैं कि 3 महीने बाद आओ नौकरी के लिए। तो गिरीश माथुर कहने लगे नौकरी तो वो आपको दे भी नहीं सकती, कंपनी में नौकरी देना तो मेरा काम है, ब्यूरो चीफ तो मैं हूँ। तो मैंने कहा साहब आप ही दे दीजिए नौकरी। कहने लगे मिल गई नौकरी,
मिल गई। मैंने कहा क्या सर? कहने को मिल गई। तो मैंने कहा साहब कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दिलवा दीजिए। कहने लगे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए कि नौकरी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। तो मैंने कहा साहब नौकरी चाहिए, फिर तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। कहने लगे ठीक है नौकरी मिल गई आपको। उन्होंने एडिटर को बुलाया अखबार के, एक तिवारी जी हुआ करते थे, और कहा कि इनको बैठने के लिए जगह बताइए, एक टेबल और कुर्सी दीजिए, और इनको काम दीजिए करने के लिए, और वो जलियांवाला बाग के ऊपर इनसे स्टोरी कराइए। तो मुझे फ़ाइल पकड़ा दी गई जलियांवाला बाग के मैटर की, और कहा कि आपको स्टोरी करना है इसके ऊपर। तो यहाँ से पत्रकारिता का कैरियर शुरू हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नौकरी दरअसल नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे बैठने की जगह दे दी, ये फ्रीलांसिंग है। और महीने पर जब बिल बना मेरा तो वो 80 रुपये था, 80 रुपये का पेमेंट मुझे वहाँ से हुआ, क्योंकि उस ज़माने में 1.5 या 2 रुपये इंच के हिसाब से पेमेंट हुआ करता था कॉलम। फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, बहुत से अखबारों के लिए लिखा, बहुत से दोस्त बने, सब कुछ हुआ, 1.5 साल तक रहा। लेकिन उस समय हिंदी पत्रकारिता की वो स्थिति नहीं थी जो आज है। ये बात बता रहा हूँ आपको 1968 की। उस समय हिंदी की चुनिंदा पत्रिकाएं थीं, एक दो अखबार थे, जहाँ सेट लोग थे, जहाँ सेट लेखक थे, जहाँ सेट संपादक थे, जहाँ किसी नए आदमी के लिए गुंजाइश बहुत कम थी, बहुत कम थी, और पेमेंट बहुत कम थे, नौकरियाँ बहुत कम थी, सैलरी भी कम। इस बीच काफ़ी कठिनाई से गुज़र हुई, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो पैसा बिल्कुल नहीं था। कभी कभी भूखे मरने तक की नौबत आई, और ये सोचा कि इस सबसे अच्छा ये है कि घर चले जाएं लौट के फतेहपुर, और वहाँ जो परिवार की जो ज़मीन है उसके ऊपर खेती बाड़ी की जाए। तो और एक दो लोग ऐसे मिल गए जो इंस्पायर भी करते थे, अरे तुम यहाँ क्या मर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, तुम चले जाओ खेती करोगे, इतना होगा इतना होगा, बड़े सुनहरे सपने भी देखने शुरू कर दिए, और लोगों ने दिखाना भी शुरू किए। तो और ये भी लगने लगा कि फ्रीलांसिंग में कुछ हो नहीं सकता, नौकरी मिल नहीं सकती, क्योंकि नौकरियां बहुत बहुत कम हैं, और संपादक और समूह जो हैं वो अपने चॉइस से, अपनी पसंद से उन लोगों को नौकरियां देते हैं जिनको वो उपयोगी समझते हैं कि हमारे लिए काम कर पाएं। मेरे बारे में तो उनको उतना विश्वास नहीं था, है ना। तो इस तरह से लौट करके फतेहपुर गए, वहाँ किताबों में पढ़ करके खेतीबाड़ी का काम शुरू किया, जो असफल हो गया, क्योंकि अनुभव कोई था नहीं, किताबों में पढ़ के खेती नहीं हो सकती। और फिर वहाँ कुछ राजनीति में रुचि पैदा हो गई, वहाँ चुनाव लड़ा, चुनाव बड़ा चुनाव नहीं, चुंगी का चुनाव, उसमें हार गया। हारने के बाद जो है वो फिर ये हुआ कि अब क्या करें, दिल्ली में नौकरी मिल नहीं पाई, खेती बाड़ी कर नहीं पाए, चुनाव हार गए, अब और क्या रास्ता बचता है। इसी स्थिति में थे कि अलीगढ़ से केपी सिंह की चिट्ठी मिली कि जामिया में हिंदी विभाग में एक जगह है, और अगर चाहो तो वहाँ जा सकते हो। तो टीचिंग जॉब, जिसको मैंने पहले करने से इनकार नहीं किया था बल्कि नहीं करना चाहता था, वो पूरे जीवन करते रहना पड़ा वो काम। तो उसके बाद फिर 71 में दिल्ली आ गया। जो तो तीन यूनिवर्सिटीज़ से मेरा सबका पड़ा जीवन में। वैसे तो देखने के लिए, विज़िट करने के लिए तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
रहीं जिनका जिनकी बड़ी संख्या है, लेकिन इन तीन में मैं कुछ कुछ समय रहा। सबसे पहले अलीगढ़। अलीगढ़ जैसे आप कहते हैं ना कि ये एक आंदोलन था, आंदोलन था ये पिछड़ेपन से, बैकवर्डनेस से मुस्लिम कम्युनिटी को निकालने का, ये एक आंदोलन था शिक्षा के लिए आंदोलन था। और इसके अंदर एक प्रकार की संभ्रांतता भी थी कि जो पढ़ा लिखा वही जो है वहाँ जाए, जो अच्छे घर का है, खाते पीते घर का है, वही विश्वविद्यालय जाएगा पढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली भी, चेंज भी हुई, और साधारण लोग भी वहाँ पढ़ाई के लिए आने लगे। जैसे ऐसे लोग भी आते थे कि जिनको फीस देने के लिए तो नहीं है, फीस तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन खाने के लिए वो अपने साथ एक बोरा चावल और एक बोरा दाल ले आते थे और साल भर खिचड़ी खाते थे और एमए करके चले जाते थे, एमए कर लेते थे। तो एक प्रकार से जिसे कहना चाहिए कम्युनिटी फीलिंग, और कम्युनिटी फीलिंग में उसका धर्म का कोई स्थान नहीं था, किसी भी धर्म का आदमी हो लेकिन वो अगर वहाँ छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसके लिए कम्युनिटी फीलिंग का एहसास होगा। जैसे अगर आपके पास वहाँ आप छात्र हैं और कोई आपसे सीनियर छात्र है, तो उसको पूरा अधिकार है कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वो आपको समझाए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, खर्चा कम पड़ रहा है, तो वो आपको पैसे दे। अगर आपकी कोई और समस्या है तो वो जाके अधिकारियों से बात करे, समस्या का आपके समाधान करवाए। तो एक कम्युनिटी की फीलिंग जो होती है, एक समुदाय की फीलिंग जो होती है, वो आपको वहाँ मिलेगी। उसके बाद उनके अपने जो अलिखित नियम हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जब हॉस्टल के बाहर जाएंगे तो आपको पैंट शर्ट पहनना होगी या आपको शेरवानी पहनना होगी, आप कुर्ता पैजामा पहन के जो फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस है आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह से आपको नाश्ता खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल जाना होगा, और डाइनिंग हॉल में भी आपको प्रॉपरली ड्रेस जाना होगा, डाइनिंग हॉल में भी आप लुंगी बांध के नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो नियम थे, इस तरह का जो डिसिप्लिन था, और इतनी जो ब्रदरहुड थी, एक भाईचारे का माहौल था। तो जैसे मान लीजिए कि राही साहब का नावल है ना टोपी शुक्ला, तो वो टोपी शुक्ला जो है वो उसी माहौल का नावल है, उसी वातावरण का नावल। तो ये अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। दूसरा ये है कि सांस्कृतिक चेतना है ना, जिसके बारे में बहुत जिक्र हुआ, ये एक अलीगढ़ का स्पेशल करेक्टर था। दूसरा स्पेशल करेक्टर वहाँ था कि मेरे ज़माने तक, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, एक तरह का खुलापन था विचारों का। जैसे हमारे हॉस्टल में अक्सर रात को किसी भी कमरे में ये बहस छिड़ जाती थी बैठ के कि भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। तो दो ग्रुप बन जाते थे और दोनों ग्रुप्स में काफ़ी डिस्कशन होता था, बातचीत होती थी। एक ग्रुप डिटरमाइंड होता था कि साहब नहीं है, दूसरा कहता था नहीं है, आर्गुमेंट दिए जाते थे, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट, लेकिन कोई किसी तरह का, जिसे कहना चाहिए कि कोई किसी का अपमान करे या कोई किसी की को रोके, ऐसा कोई माहौल नहीं था, सबको अपनी बात कहने का। और उसके बाद फिर दोस्ती बराबर, ऐसा नहीं है कि उससे कोई दोस्ती पे अंतर पड़ रहा है, ठीक है तुम्हारे ये विचार हैं मेरे ये विचार हैं, लेकिन दोस्ती अपनी जगह। ये एक खुलापन उस ज़माने तक अलीगढ़ में था। अब पता नहीं मुझे कि क्या स्थिति है, लेकिन ये उस समय की बात। दूसरा ये था कि आम तौर से लोग रिलीजियस नहीं थे, आम तौर से उतना रिलीजन का ज़ोर नहीं था। ठीक है नमाज़ पढ़ना, कभी कभी चले जाना नहीं जाना, या रोज़ा रख लेना नहीं रखना, इसके ऊपर कोई चिंता नहीं करता था। ठीक है हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो ये एक उदार धार्मिक माहौल भी वहाँ था उस समय। अच्छा,
तीसरा ये है कि स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़ोर था, स्पोर्ट्स की टीमें आप जानते कि ओलंपिक में वहाँ के हॉकी प्लेयर्स ने काफ़ी सालों तक लगातार खेलते रहे। तो कुल मिला के अलीगढ़ का मेरे हिसाब से ये नक्शा बनता है। अब जामिया आया मैं, आप जानते हैं कि जामिया अलीगढ़ के प्रोटेस्ट में बना हुआ इंस्टीट्यूशन है, नेशनलिस्ट जो मुस्लिम थे उन्होंने बनाया था, तो इसका मिजाज जो है वो बिल्कुल अलग था। यहाँ आप कुर्ता पहन के पजामा पहन के क्लास में जा सकते हैं, विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, शॉर्ट्स पहन के आ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये क्या किया आपने। उस तरह के जो सामंती और समझिए कि एक अफसराना जो भाव थे अलीगढ़ में वो यहाँ बिल्कुल नहीं मिले। उसके विपरीत यहाँ पर और ज़्यादा एकता और मेलजोल देखने के लिए मिला लोगों का, और समर्पण का जो भाव अलीगढ़ में कम था वो यहाँ बहुत पूरी तरह से दिखाई देता है। जामिया में, जामिया का राष्ट्रीय आंदोलन से जो निकटता है, उसने जो जामिया को मूल्य दिए, जो वैल्यूज़ दिए, गांधी जी वहाँ के पैटर्न थे, जमनालाल बजाज जो है ट्रेजरर हुआ करते थे, इन सब लोगों ने जामिया को जो मूल्य दिए वो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य थे। वो अलीगढ़ में आपको नहीं मिलेंगे, वो जामिया में ही मिलेंगे आप। जैसे चपरासी से भी आप बात करेंगे तो वो आप जी जनाब करके करेंगे। आप चपरासी से कि ये नहीं कहेंगे जाओ पानी पिलाओ, आप उससे कहेंगे भाई आज गर्मी बहुत पड़ रही है, गला सूख रहा है, तो वो खुद ही समझ जाएगा हाँ भाई ले आया पानी, आपको पानी ला करके दिया। तो इस तरह से जामिया में प्रयोग धर्मिता बहुत रही है और एक वैचारिक उदारता बहुत रही है। इस्लामी संस्था होने के बावजूद को एजुकेशन रही शुरू से, नर्सरी से को एजुकेशन है, और धर्म को इन्होंने बिल्कुल एक व्यक्तिगत मामला सा बनाया कि ये अगर धर्म है तो आपका है, आप जानिए, उसको इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं करेंगे, लादेंगे नहीं। जैसे गालिब की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, गालिब की मूर्ति लगी है, उसका बड़ा विरोध हुआ कि ये मूर्ति पूजा है, लेकिन जिन्होंने लगवाया था प्रोफेसर मुजीब, उन्होंने कहा कि नहीं ये मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं है, हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसकी यादगार है ये। तो और किसी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में ये संभव नहीं है कि आप इस तरह से किसी की मूर्ति लगाएं, जामिया में ये है। तो ये जामिया की उदारता। दूसरा ये है कि जामिया के अलग अलग समयों में अलग अलग विभाग, 1935 में जब कोई एडल्ट एजुकेशन के बारे में जानता भी नहीं था तो जामिया में पूरा विभाग हुआ करता था, ये गांधी जी की प्रेरणा से था। सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन का महत्व ये जामिया में शुरू में था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का महत्व, ये सब गांधी जी की जो वर्धा स्कीम थी एजुकेशन की उसके ये सब अंश थे। इसके बाद फिर मास कम्युनिकेशन सेंटर, तो मास कम्युनिकेशन सेंटर में भी मैं रहा, दो बार वहाँ रहा मैं, मेरे पास चार्ज रहा उसका, और दो बार मैंने वहाँ पर काम को संभाला। तो वो एक कॉन्सेप्ट अनवर जमाल किदवई साहब का था और बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने 1982 में इस तथ्य को पहचाना कि एक समय आएगा देश में ऐसा कि जब मास मीडिया का बहुत महत्व बढ़ जाएगा। तो 82 में ये संस्था बनी, इसमें कैनेडियन कोलैबोरेशन शामिल था, इसमें जापानीज इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी शामिल थी, इसमें वहाँ के यॉर्क यूनिवर्सिटी के टीचर्स इसमें शामिल थे, और एक बहुत ही ग्लोरियस और बहुत ही एक रिप्यूटेड और बहुत ही मॉडर्न एक मास कम्युनिकेशन एजुकेशन सेंटर बनाया, जिससे कि बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आप चारों तरफ मीडिया में और फिल्मों में देखते हैं, वहाँ के लोग हैं निकले। एक ज़माने में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ,
है ना। अभी वहाँ पर बहुत नए नए कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत कोर्सेज हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब JNU के ऊपर हम आते हैं कि JNU एक नया विश्वविद्यालय है, सरकारी तौर पे खोला गया है, किसी आंदोलन में नहीं खोला है, ना तो अलीगढ़ आंदोलन में खोला है, ना ये राष्ट्रीय आंदोलन में खोला है, ये एक सरकारी संस्था है, सरकार ने खोला है, तो इसके पीछे कोई आंदोलन नहीं है, इसके पीछे सरकार है, और सरकार ने खोला है। और ये भी कहा जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक के तौर के ऊपर इसको बनाया गया था, उनके लिए थिंक टैंक है, तो इसलिए उस ज़माने में जितने कांग्रेस के सोशलिस्ट लीडर्स थे या ये कि कार्यकर्ता थे या प्रोफेसर्स थे, वो सब JNU में थे, और JNU को एक कांग्रेस का, समझिए आपके एक लेफ्ट विंग के तौर के ऊपर ये बनाया। यहाँ पर जो मैंने महसूस किया इंटेलेक्चुअल माहौल के अलावा, वो तो ठीक है कि इंटेलेक्चुअल माहौल है, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी सरकारी माहौल भी लगा मुझे कि कुछ सरकारी है मामला, नियम और कानून और ये और वो जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि सरकारी होते हैं। और इसके अलावा जो जामिया में और अलीगढ़ में जो चीज़ कम है, कैरियर ओरिएंटेशन यहाँ ज़्यादा लगा कि लोग अपने कैरियर को लेकर के बहुत चिंतित हैं। दूसरी तरफ क्या बनेंगे वो, क्या होगा, कौन से कॉम्पिटिशन से बैठ रहे हैं वो, किस किन सर्विसेज के लिए हैं, किन के लिए उनको उपयुक्त हैं, इन सब बातों को लेकर के JNU में काफ़ी हलचल उस ज़माने में रहती, अभी भी होगी। लेफ्ट का बोलबाला था उस ज़माने में, और बाकी शायद कोई दूसरी विचारधारा के दल रहे होंगे तो रहे होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे, कम होंगे, और छात्रों की संख्या कम थी। उनकी एडमिशन पॉलिसी के अंतर्गत जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनसे भी छात्र आते थे, तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल गहमा गहमी थी, नए विचार सामने आ रहे हैं, नई किताबों की ओर बात हो रही है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं उनको हल करना है, ये सब होता था। लेकिन वो अलीगढ़ और जामिया वो बिल्कुल अलग था, और JNU का बिल्कुल अलग। देखिए बुदापेस्ट में जाना, वहाँ पढ़ाना, वहाँ रहना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक अनुभव रहा मेरे जीवन का, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, और बहुत अच्छे वहाँ मित्र बने। अभी उसी पर आधारित एक किताब मेरी छपी है, स्वर्ग में 5 दिन के नाम से। तो मैं हंगरी में 5 साल रहा, और उसके बाद भी आता जाता रहा, तो वो सब उसमें अनुभव हैं। तो एकेडमिक्स के लाइन में हंगरी में मैंने जितना जो गंभीरता मैंने वहाँ सीखी, जैसे एक उदाहरण दूँ आपको, वहाँ कोई कोर्स नहीं होता, टीचर बताते हैं कि क्या पढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा भाई मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी आपको पढ़ानी है, तो अब टेक्स्ट आप तय करेंगे टीचर। तो एक बार मैंने कहा था कि उसने कहा था कहानी पढ़ाएंगे क्लास में, तो डिपार्टमेंट की मीटिंग में ये बात हुई कि आप कौन सा टेक्स्ट पढ़ाएंगे, उसने कहा था, क्या मतलब कौन सा टेक्स्ट। उन्होंने कहा ये बताइए उसने कहा था सबसे पहले कब छपी थी। क्यों, उनका सबसे ओरिजिनल टेक्स्ट तो वही होगा ना सबसे पहले, और फिर उसके बाद कहाँ छपी, और फिर बाद में जो लेटेस्ट है, रीसेंट है, वो कहाँ छपी,
और उन दोनों में क्या आप तुलना करेंगे जो पहला टेक्स्ट था और जो आज का टेक्स्ट है, और क्या आप ये बताएंगे कि टेक्स्ट में क्या चेंज आए हैं? क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट के चेंज को नहीं बताएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कहानी में क्या खुला है और क्या बंद हुआ है। तो टेक्स्ट को लेकर के जो गंभीरता है और पढ़ाने को लेकर के जो गंभीरता है कि आपको एक सप्ताह पहले ये बताना होगा कि अगले सप्ताह आप क्या पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे उसके सारे नोट्स आपको इसी सप्ताह देने होंगे, और फिर अगले सप्ताह उसके ऊपर बातचीत होगी, पढ़ाया जाएगा। परीक्षा को लेकर बड़ा रोचक है कि मैंने पूछा कि परीक्षा कैसे होगी, तो मुझे बताया गया कि जैसे आप और छात्र चाहेंगे वैसे होगी। मतलब आप और छात्र अगर चाहते हैं कि कोई प्रश्न पत्र दिया जाए वो हो सकता है, अगर चाहें कि सेशनल वर्क के ऊपर नंबर दे दिए जाएं वो हो सकता है, अगर चाहें कि कुछ भी न किया जाए और परीक्षा हो जाए वो भी हो सकता है। कि आप सब छात्रों को जानते हैं कि किसकी क्या लियाकत है, आप नंबर दे दीजिए, लेकिन शर्त एक है कि जो नंबर आप छात्र को देंगे वो खुले तौर पे देंगे उसके सामने, और छात्र जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। आप छात्र को कन्विंस करेंगे कि तुम्हें जो नंबर दिए जा रहे हैं ये तुम्हारी लियाकत के आधार पर दिए जा रहे हैं, और अगर तुम इससे अच्छे होते तो इस प्रकार होते और फिर तुम्हें ऐसे नंबर दिए और अच्छे नंबर मिलते, है ना। तो इस तरह का जो एक एजुकेशन में एक हाई मॉरल होते हैं जिसको कि टीचर और छात्र दोनों उसको दोनों के माध्यम से चलते हैं, उनका वहाँ देखने के लिए मिला, है ना। गंभीरता छात्रों के अंदर इतनी देखी मैंने कि शायद और जगह उतने गंभीर छात्र नहीं होंगे। और उसके बाद यह है कि जीवन से उनका जुड़ाव, वहाँ की साहित्य और संस्कृति की गतिविधियाँ, वहाँ की सामाजिक समस्याएँ, वहाँ के लोग, वहाँ और दुनिया भर, तो वो पूरी किताब है मेरी जो कि हंगरी के बारे में। उस दौरान यूरोप को भी घूम, अच्छा हंगेरियन साहित्य को पढ़ा अनुवाद में, कुछ अनुवाद किए जिनका निश्चित रूप से असर जो है वो मेरे ऊपर पड़ा, लेकिन मैं हमेशा ये मानता रहा कि जो अपनी ज़मीन से निकली हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हम बेसिकली हिंदी के लेखक हैं तो हमें हिंदी की भावभूमि पर ही रहना है। हम हिंदी की भावभूमि को अगर छोड़ देंगे और यूरोप की भावभूमि को अपनाएंगे तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। वहाँ से हम सब सीख सकते हैं, ले सकते हैं हमको, लेकिन वो हमारे पास आके दूसरे तरीके से हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जो उनके पास है उसको हम लेंगे तो वो हमारे पास आ करके बदलेगा, परिवर्तित होगा, वैसे का वैसे ही हम नहीं लगाएंगे। फिर संगीत है उनका, इसके बाद जीवन के बहुत से उनके पहलू हैं, ये सब जो है वो आए और उनसे सीखने को और जानने को बहुत मिला, बहुत रोचक भी प्रसंग हैं जो कि बहुत डिटेल में अगर जाएं तो उनको बता सकते हैं कि वो क्या है डिटेल में। जैसे वहाँ का जीवन, अब देखिए आप, दो उदाहरण दूंगा आपको। जब वहाँ समाजवादी व्यवस्था समाप्त हुई तो और दूसरे देशों में जो शहरों के अंदर समाजवादी नेताओं के, कम्युनिस्ट नेताओं की जो मूर्तियाँ लगी थी, स्कल्पचर लगे थे, बुत लगे थे, उनको तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। लेकिन हंगरी में क्या किया, बुडापेस्ट के अंदर जो कम्युनिस्ट नेताओं की मूर्तियाँ लगी हुई थी उनको वहाँ से उखाड़ा गया, शहर के बाहर ले जाके एक मूर्ति पार्क बनाया गया, मूर्ति पार्क बनाया गया, और ये कहा गया कि ये एक अध्ययन की जगह है। अगर आप तानाशाही का अध्ययन करना चाहते हैं, आतंक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इस पार्क में आइए, आपको उस समय का बहुत मटेरियल मिलेगा और ये मूर्तियाँ मिलेंगी जो उन नेताओं की हैं, आपको अनुभव होगा कि आप सन 56 के 58 के हंगरी में हैं।
तो ये एक समझ जो है देश की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास को हम तोड़ नहीं सकते, इतिहास को हम समझ सकते हैं, इतिहास से हम समझेंगे, है ना। दूसरा, सामाजिक जीवन का एक उदाहरण दूँ आपको। एक फोटोग्राफर मित्र है, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर खाने पर आइए। मैं पहुंचा, वो और उनकी पत्नी थे वहाँ। तो फोटोग्राफर मित्र ने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि खाने पर मेरी भूतपूर्व पत्नी भी आ रही हैं। क्या ठीक है, इंतज़ार करेंगे। भूतपूर्व पत्नी आई अपने वर्तमान पति को लेकर और दो बच्चों को लेकर के, एक इनसे था और एक वर्तमान पति से था, और सब वहाँ बैठ गए और एक परिवार की तरह से खाना पीना शुरू हुआ। ना कोई कटाक्ष किसी पर, ना कोई व्यंग, ना कोई घृणा, ना कोई हिंसा, ना कोई अपशब्द, ना कोई गाली गलौज, ना कोई द्वेष की भावना, है ना, ना कोई व्यंग किसी पर कोई कर रहा है। सब ने एक परिवार की तरह से वहाँ खाना खाया। तो क्या है कि सामाजिक जीवन को भी किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण, उसके अंदर से कटुता का जो एलिमेंट है उसको कम करके उसको उन्होंने बनाया। तो ये सामाजिक जीवन और साहित्यिक जीवन उनका, इन सब से बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिला, जो मेरे लिए नए अनुभव थे। मैं बुडापेस्ट में 1992 में गया था, टूट गया था वो 89 वगैरह में टूट गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ये कम्युनिस्ट जो समाज बना था, सोशलिस्ट समाज, ये टूट रहा था और नए समाज का निर्माण होने की प्रक्रिया थी। और 97 तक रहा 5 साल, और इस बीच मैंने ये भी प्रक्रिया देखी कि लोग वहाँ समाजवाद से क्यों नाराज़ थे, क्यों वो टूटा, क्यों वो गिरा। तो वर्तमान, मतलब जो कहना चाहिए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, उससे उनके लगाव के क्या कारण थे, किस कारण उनको वो पसंद आई, इसमें मीडिया का क्या हाथ था, इसमें प्रचार का क्या हाथ था। ये बहुत बड़ा एक विश्व स्तर पर होने वाला एक मीडिया का इवेंट भी था, बहुत बड़ा खेल था जो कि पूरी दुनिया में खेला गया। मान लीजिए कि हम चेक रिपब्लिक में गए, वहाँ एक ने कहा कि हम तो नहीं चाहते सोशलिज्म, हम तो कैपिटलिज्म चाहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहते हैं, एक आदमी ने कहा। उसका घर देखा मैंने, बड़ा आलीशान घर, 2-3 मंजिला, उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ जो सोशलिस्ट गाड़ियाँ थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों चाहते हो कैपिटलिज्म, क्या? कह रहा है हमारा जीवन स्तर ऊपर उठेगा। मैंने कहा तुम्हारा जीवन स्तर, मतलब अभी क्या बुरा है, तुम्हारे पास 2 मंजिला मकान है, 2 गाड़ियां हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। कह नहीं नहीं आप समझे नहीं, वो अमेरिकन स्टाइल से, अमेरिकन हिसाब से हमारा जीवन स्तर को और ऊपर उठना चाहिए। ये तुम्हें किसने बताया? क्या साहब, पूरे टीवी चैनल, पूरे अखबार, पूरा सब यही कहते हैं साहब कि अगर कोई जीवन स्तर है तो वही है, वहीं जाना है, हम और रुकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से, और फिर वास्तव में सोशलिज्म की वहाँ क्या बुराइयाँ रहीं और सोशलिज्म के अंतर्गत क्या अच्छा हुआ, इसको भी एनालाइज करने की कोशिश मैंने वहाँ की थी, जो एक माने में इस किताब का एक हिस्सा है। देखिए, आज अगर कोई इसलिए पढ़ना चाहे कि उसको लिखना सीखना है, तो मेरे ख़्याल से उसको क्लासिक्स पे जाना चाहिए। वो उन रचनाओं को पढ़े जिनको हम क्लासिक कहते हैं। अगर वो उन रचनाओं को पढ़ेगा तो क्लासिक्स से ज़्यादा कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकती। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही लिखने का प्रयास करें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चेतना में चले जाएं, लेकिन ये है कि आपको ये ज़रूरी है
जानना कि जिन लोगों की विधा पर या भाषा पर मास्टरी हो जाती है तो वो क्या है, वो कैसी है, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सी कहानियां मैं पढ़ता हूँ ऐसी कि मुझे लगता है कि ये तो कहानी लिखने वालों को पढ़ना चाहिए, ये इतनी अच्छी कहानी है और इतने अलग ढंग की कहानी है कि ये उनको पढ़ना चाहिए जो कहानी लिखते हैं, ताकि वो सोचें कि हाँ ऐसे भी कहानी लिखी जा सकती है। तो अफसोस ये है हिंदी में कि अभी तक कोई इसके बारे में व्यवस्थित काम नहीं हुआ है, जैसे आप कहानी लिखना कैसे सीखें इसके ऊपर एक दो तीन चार वॉल्यूम की किताब हों, एक्सरसाइज हों, प्रैक्टिकल गाइड हों जो आपको सिखाएं, वो भी नहीं हो पाया, लेकिन वो होना ज़रूरी है। एक बार नागार्जुन आए जामिया तो बच्चों के साथ बातचीत होने लगी उनकी, तो लड़कों ने पूछा कि बाबा हम कविता लिखना चाहते हैं, कैसे कविता लिखें बताओ आप, शुरू करो। तो नागार्जुन ने कहा कि देखो ऐसा है कि अपनी भाभी को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करो। तो लड़के हंसने लगे, कह रहे इससे कविता कैसे सीखेंगे। कहा नहीं नहीं, ये कविता की शुरुआत है ना, ये कविता लंबे लंबे पत्र लिखो और जाहिर सी बात है कि उन पत्रों में तुम्हारी कोई संवेदना भी होगी, वहाँ कुछ भाव होंगे, तुम्हारे कुछ घटनाएं, कुछ विचार होंगे, तो सब लिखो। अब देखिए मैंने लिखना कैसे शुरू किया, मैं आपको बताऊं। किसी अलीगढ़ में था मैं, पीयूसी में ही था, प्री यूनिवर्सिटी क्लास। किसी ने मुझे घटना बताई किसी लड़की के बारे में, अब वो क्या घटना थी मुझे याद नहीं, शायद उसको बेच दिया था, वो उसकी उम्र कम थी, किसी ट्रक ड्राइवर के हाथ उसको बेच डाला था, क्या किया था, कुछ ऐसी घटना थी बड़ी मार्मिक। तो मैंने सोचा कि मैं और लोगों को बताऊं, जो चीज़ अच्छी आपके जानकारी में आई है वो शेयर करें आप दूसरों को, एक स्वाभाविक बात। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं बताऊंगा तो कितने लोगों को बता पाऊंगा, दो को, चार को, छः को, दस को, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं, जैसा मैंने सुना है वैसे ही लिख दूं। तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, किसी को दिखाया हॉस्टल में, तुम्हें कह रहे ये तो कहानी है। और वहीं से हॉस्टल से ही एक लड़का अखबार निकालता था वीकली, एक उर्दू का, तो उन्होंने कहा तुम जाके उससे बात करो। उस लड़के के पास गया मैं, तो उसने देखी, उसने कहा हाँ हाँ मैं तो छाप दूंगा इसको, उसने छाप दी अखबार में अपने। तो नए लिखने वालों के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो डायरी किस्म की चीज़ लिखा करें, डायरी तो नहीं, डायरी किस्म की चीज़, जो भाव आ रहे हैं, जो कुछ आपने देखा है। देखिए घटना, भाव, विचार, इन सब को मिला करके, या ज़रूरी नहीं कि आप स्वयं मिलाएं, अगर वो मिले हुए हैं तो ठीक है, नहीं मिले हुए कोई बात नहीं, घटना है घटना ही को रहे, वो देखें, उससे जो है वो उनको एक प्रकार से अपने विचारों को क्रम में रखने का अवसर मिलेगा। नंबर दो ये है कि हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, जब यंग होते हैं कहानी पढ़ते हैं, अच्छी लगती है कहानी, हम उसको एनालाइज नहीं करते, है ना, कहानी की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि कहानी हमें क्यों अच्छी लगती है, है ना। अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो हम कहानी विधा की के उन सूत्रों को पाएंगे जिनके कारण हमें वो कहानी अच्छी लगती है। तो आप ये सवाल उठा सकते हैं कि ये तो बड़ी यांत्रिक बात हो गई, कहानी इतनी यांत्रिक तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अयांत्रिक होने के लिए यांत्रिक होना पहले ज़रूरी है। पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये सीख लें
कि भाई सिंपल नक्शा कैसे बनता है, उसके बाद आप उसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि नहीं वो कॉम्प्लेक्स शुरू से ही हो जाए, पहला बनाऊं मैं और वो मास्टरपीस हो जाए कॉम्प्लेक्स, तो ऐसा मुश्किल है, नहीं होता। हालांकि आप जानते हैं कि कलाओं में और साहित्य में कुछ असंभव नहीं है, सारा कुछ संभव है। लेकिन प्रायः ये होता है कि बुनियादी काम सीखने के बाद फिर विशेषज्ञता की ओर बढ़ा जाता है। तो ये दो काम करने, एक तो अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपने संबंधों को, जो भी महत्वपूर्ण जीवन में हो रहा है उसको लिखना, और दूसरे ये है कि कहानी को या कविता को या कोई भी विधा है उसको एनालाइज करना बैठ करके कि ये हमें क्यों अच्छी लगती। देखिए, बहुत पहले किसी एक इंटरव्यू में लंदन में बीबीसी वालों ने मुझसे पूछा कि भाई आप लेखक हैं, आप चित्र भी बनाते हैं, आप पर्यटन भी करते हैं, पर्यटक भी हैं, आप एनजीओ सेक्टर में भी सक्रिय हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, फिल्मों के लिए लिखते भी हैं, तो ये आखिर ये सब इतना क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि ये एक जैसे आत्माएं भटकती हैं ना, आत्माओं को बहुत शांति नहीं मिलती है, भटकती हुई आत्मा हो, तो जहाँ अभिव्यक्ति का कोई भी माध्यम देखती हैं तो वो समझती है कि ये अभिव्यक्ति का माध्यम हमारे लिए शायद अच्छा हो, इसको देखो, इसको ट्राई करो, ये भी हो सकता है। तो एक तरह से अभिव्यक्ति की बेचैनी है जो इन सब दिशाओं में ले जाती है। और मैंने ये भी सोचा है और करके देखा है कि प्रायः इस बात का अभ्यास हो जाता है कि कौन सा विषय आपसे क्या मांग कर रहा है। तो जो विषय आपसे जो मांग रहा है, जिस विधा को मांग रहा है, तो वो विधा को वो विषय आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि एक विषय है वो आपसे उपन्यास की डिमांड कर रहा है, तो आप उस पर कहानी नहीं दे सकते, आप उपन्यास ही उसको देंगे। अच्छा, और फिर ये कि अभिव्यक्ति के जितने भी माध्यम हैं इन सब एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि फिल्मों के लिए लिखना या डॉक्यूमेंट्री बनाना हमें लिखने में विजुअल में मदद देता है। हमने कहा कि हमको कहानी के अंदर ये एक विजुअल डालना है, तो उस विजुअल को, वो विजुअल का सेंस हमारे अंदर फिल्म और सिनेमा पैदा करता है, तो इस तरह से मदद मिलती है। फिल्म और सिनेमा में मान लीजिए संवाद आप लिख रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं किसी फिल्म के, तो उसमें मदद मिलती है आपको जो आपने साहित्य में पढ़ा हुआ है, जो आपने साहित्य में देखा है ना। भाषा का जो स्तर साहित्य के माध्यम से आपको मिला है वो दूसरे लोगों को नहीं मिला है जिन्होंने साहित्य नहीं पढ़ा है, तो वो भाषा के दूसरे स्तर पर रहते हैं, उस स्तर पर वो पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, जानकारी नहीं है। तो ये सब विधाएँ एक दूसरे की मदद करती हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। इसी तरह से विजुअल भी, कहानी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप अब्स्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, कहानी में अब्स्ट्रैक्शन में जाके कहानी को छोड़ देते हैं आप, वो ओपन एंडेड होती है, उसका एक सिरा जो है वो कोई पकड़ता है, दूसरा सिरा कोई पकड़े। तो ये अब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है, अब्स्ट्रैक्ट अभिव्यक्ति के लिए ये एक तरह की दिशा देता है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। देखिए, अपने पहले उपन्यास के बारे में, जो दरअसल मेरा तीसरा उपन्यास है लेकिन मैं उसे पहला मानता हूँ क्योंकि उससे पहले जो दो मैंने लिखे हैं तो वो मानना था कि ये अभ्यास के लिए है, ये प्रैक्टिस के लिए।
और तीसरा उपन्यास सात आसमान जो ये लिखा, तो इसके बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि मैं जैसा कि अभी बताया आपको कि बचपन में जो कुछ मैंने देखा, जो लोग थे, जो ज़माना था, जो घटनाएं थीं और उसकी भी जो पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में ये उपन्यास है। तो मैंने लिखना शुरू किया इसको और लगभग आधे से ज़्यादा लिखा, और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने तो यथार्थ को, ज़िंदगी को कहानी बना दिया। और कहानी जब ये बन गई तो इसकी जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई, है ना। तो इसलिए ये तो बड़ा ख़राब काम हो गया, गलत काम हो गया, इसलिए उसको फाड़ के फेंक दिया। और मैंने ये सोचा कि जैसा जो कुछ है बिल्कुल वैसे ही उसको सीधे सिंपल नरेशन में लिखना चाहिए, क्योंकि उससे सच्चाई बरकरार रहती है, सच्चाई बनी रहती है, और विषय में ताकत जो है वो सच्चाई की है। विषय में ताकत भाषा की नहीं है, विषय में ताकत जो है शिल्प की भी नहीं है, विषय में ताकत जो है वो सिर्फ जो है वो सच्चाई की ताकत, एक सच्चाई का ताप है जो इसको बना रहा है। सच बात आप अगर सीधी भाषा में भी कहते हैं तो वो प्रभावशाली रहती है। तो ये उपन्यास जो है ये लगभग 5-6 साल की कोशिश के बाद लिखा गया था, और इसमें परिवार के जीवन के बारे में कुछ कल्पनाओं के साथ और उसका कुछ इतिहास, तो एक प्रकार से इतिहास और वर्तमान वो सब मिला जुला चलता है इसमें। और इसका जो नाम है सात आसमान, ये गालिब का एक शेर है, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। मतलब वो कह रहा है कि ये सात जो आसमान हैं, 7 skies, ये घूम रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रल एशियन है कि ये घूम रहे हैं आसमान, सात आसमान, और इनके घूमने से ही पृथ्वी पर कुछ हो रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्या घबराएंगे उससे। तो इस उपन्यास में भी जो घटनाएं हैं, जो कुछ हो रहा है, तो पात्रों को कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट घबरा नहीं रहे, कह रहे हैं हो रहा है जो हो रहा है होने दो, हो रहा है ठीक है, क्या करें। देखिए उपन्यास का जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लॉट कुछ नहीं है, उपन्यास में जीवन है, वो जीवन धीरे धीरे आता रहता है, जीवन बढ़ता रहता है, घटनाएँ होती रहती हैं जो जीवन की घटनाएँ हैं। पात्र इसमें अनगिनत हैं, पात्र इसमें बहुत हैं, तरह तरह के पात्र हैं, कुछ प्रमुख पात्र भी हैं, लेकिन पात्रों की भी एक बाढ़ है, और वो पात्र बड़े विचित्र पात्र हैं, एक दूसरे से बड़े अलग अलग तरह के पात्र हैं, और वो उनमें से कुछ पात्र ऐसे हैं कि आप उनकी कल्पना करना मुश्किल है। जैसे उसमें एक पात्र है कि जो एक बहुत लंबी चौड़ी डींग हाँकना या झूठ बोलने का काम करता है, उसका काम यह है कि वो कोई ऐसी बातें करता है कि जो गलत, आप जानते हैं कि जो वो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसके तरीका ऐसा है, वो उस तरह से कहता है कि वो उसको बिल्कुल आपको विश्वास में ले लेता है कि सच कह रहा हूँ मैं। वो अपने जीवन की घटनाएँ बताता है आपको कि मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, मैंने क्या किया, मैं कहाँ गया। इसके बाद एक पात्र है जो कि एक बड़ी धूर्तता से अपने काम करता है, वो उस तरह से अपने आप को एक्सपोज, तो जीव पात्रों के माध्यम से जीवन और जीवन में आने वाली जो सरल गति है वो आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है, अंत पहुंचता है, अंत में उसका उसकी क्लाइमेक्स भी है। लेकिन ये कि महत्वपूर्ण यही है कि जीवन की गति और जीवन के अलग अलग रंग ये उपन्यास में सामने आते हैं। ये बात सेंट्रल कैरेक्टर्स में 2-3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर या हाँ ऐसे हैं
कि जो रियल लाइफ कैरेक्टर थे लेकिन उनको फिक्शनलाइज किया है, लेकिन उनका थोड़ा फिक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो थे 100% वैसे का वैसे ही रख दिया गया, बल्कि उनको ले करके उनको फिक्शनलाइज किया, उनके अंदर कुछ फिक्शन भी जोड़ा और उसके बाद फिर वो सामने आते हैं। तो इस तरह के बहुत से पात्र हैं और इन्हीं की वजह से, रियल लाइफ पात्रों की वजह से ही उसका महत्व है, क्योंकि वो जो जिस जीवन को सामने लाते हैं, जो मूल्य उनके हैं, जिस तरह से वो जीवन को लेते हैं कि जीवन एक खेल है, जीवन एक मजाक है, अरे ठीक है जिंदा है, नहीं रहेंगे मर जाएंगे कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है ना, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अपने मरने का बहुत जिक्र करते हैं कि बस अबकी जाड़े में तो बस हम बराबर चला जाना है, अपने नहीं रहना। तो जीवन को या मौत को वो किस तरह से धता बताते हैं और उसकी सारी गंभीरता को कि ऐसी तैसी कर देते हैं कि मौत तो कुछ है ही नहीं, बेकार की चीज़ है, होगी ठीक है हो जाए कोई बात नहीं ऐसी। तो इनके जो उनके जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है जीवन के बारे में, वो इसके माध्यम से सामने आती रहती है। और फिर ये है कि परिवर्तन भी है, गति भी है, चेंज हो रहा है, धीरे 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 परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन का भी प्रभाव है इन पात्रों के ऊपर, उस परिवर्तन को भी झेल रहे हैं। तो ये सारी की सारी उसके अंदर एक अंतरधाराएँ चलती रहती हैं। तो ये उपन्यास राजकमल प्रकाशन ने छापा था, ये बात है मेरे ख्याल से 1996-97 की बात है। उसके बाद कई एडिशन इसके हुए हैं और इसका अनुवाद उर्दू में भी हुआ है जो अभी तक छपा नहीं। तो ये मेरा तीसरा लेकिन पहला उपन्यास। देखिए ये नाटक जो है ना लाहौर के बारे में नहीं है, है ना। एक कहावत थी प्राचीन समय में पार्टीशन से पहले कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ये क्यों थी कहावत? इसलिए कि आर्ट का, कल्चर का, लैंग्वेज का, लिटरेचर का, म्यूज़िक का, आर्किटेक्चर का इतना बड़ा सेंटर था लाहौर कि वो एक प्रतीक बन गया था कल्चर का। तो कहने का मतलब ये था जिसने जिसका परिचय उतने हाई कल्चर से नहीं है वो जन्म ही नहीं हुआ उसका, यानी वो जानवर है, वो आदमी के रूप में है ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो लाहौर का मतलब था अ प्लेस ऑफ हाई कल्चर बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद क्या हुआ ये हमारे उसमें है ही नहीं पार्टीशन की, क्योंकि उसमें जो है वो लाहौर का केवल एक कल्चरल हाई आइडेंटिटी का शहर जगह है, बाकी क्या है उससे हमें ताल्लुक नहीं है, है ना। तो ये एक प्रतीक रूप में है कि हाई कल्चर जिसके पास नहीं है, जिसके पास एक उन्नत संस्कृति नहीं है, वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ। दोनों शहर जो हैं लखनऊ और लाहौर, ये दोनों अलग किस्म के शहर हैं, दोनों का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों के पूरे भारत में दो प्रिय शहर थे, एक था लाहौर और एक था कलकत्ता, है उसने इन दोनों शहरों को विकसित किया। ये दोनों शहर बहुत डेवलप हुए। लखनऊ उनका प्रिय शहर नहीं था अंग्रेज़ों का, क्योंकि लखनऊ 1857 की क्रांति में एक प्रमुख भूमिका थी जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी, और ये दोनों शहर कलकत्ता और लाहौर ये अंग्रेज़ों के प्रिय, तो उन्होंने डेवलप किया। दोनों की भाषा अलग है, दोनों के संस्कार अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं, है ना, दोनों की बैकग्राउंड अलग है, उस हिसाब से लखनऊ अपने तौर पर हुआ और लाहौर अपने तौर पर हुआ। दोनों के बीच में कोई किसी तरह की, ये कह सकते हैं आपके
भाषा उनकी पंजाबी भाषा है, इनकी भाषा जो है वो अवध की भाषा है, अवधी भाषा है, लेकिन ये है कि एक दूसरे से कोई उनका टक्कर, एक दूसरे से उनका कोई मुकाबला या एक दूसरे से उनका कोई द्वंद, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लाहौर जो जाने वाला परिवार है मेरे नाटक में, वो लखनऊ से ही जाता है, लखनऊ से जाता है। ये भी एक सिग्निफिकेंट बात है कि दो एक दूसरे से डिफरेंट कल्चरों का जो एमलगमेशन होता है, जो एक दूसरे से मिलते हैं, जो सिंथेसिस होती है, तो कल्चरल सिंथेसिस भी इस नाटक का एक विषय है। ये देखिए, कहते हैं कि हर रचना के पीछे जो है ना एक कहानी होती है और उसके ऊपर आपका वश नहीं होता, अचानक अनजाने में कुछ होता है और वो हो जाता है। शायद 30 साल पहले की बात है, दिल्ली में जो कनॉट प्लेस का शंकर मार्केट है, यहाँ DUJ का ऑफिस हुआ करता था, तो अक्सर उधर इस एरिया में जब मैं काम से जाता था तो बहुत थका हुआ हूँ तो DUJ के ऑफिस चला गया, वहाँ बैठ के पानी वानी पिया, थोड़ा पंखे के नीचे बैठे आराम किया, उसके बाद फिर वापस लौट के आए। वहाँ जितने लोग थे सबसे परिचय था, तो एक दिन वहाँ गया तो एक पत्रकार थे उर्दू के, वो उर्दू इनकलाब निकलता है या प्रताप निकलता है, प्रताप में काम करते थे, उनका नाम था सुरेश कुमार या कोई ऐसा नाम था, वो लाहौर के थे, लाहौर से आए थे माइग्रेट करके, तो वो मिल गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी किताब की 30 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि यार मैं देखिए गर्मी के दिन है, परेशान थका हुआ आ रहा हूँ, पानी मैंने पिया नहीं है, कुछ मुझे खाना भी है, और ये साहब कह रहे हैं कि हमारे किताब की 30 लाइनें सुनो। खैर फिर भी स्वभाव के चलते मैंने कहा सुनाइए, कोई बात, तो बैठ गया। उनकी किताब लाहौर नामा, वो लाहौर की यात्रा पे गए थे और लौट के आए थे, तो उन्होंने अपने शहर के बारे में लिखा था किताब। तो वो जो उन्होंने 30 लाइनें सुनाई, उसमें एक ऐसी बूढ़ी हिंदू औरत का जिक्र था जो इंडिया नहीं गई, पार्टीशन के बाद वहाँ रह गई, और लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे, वो लोगों के बड़े काम आती थी, वो बहुत उदार थी, बहुत मददगार थी वो, आदि आदि उसका जिक्र था, केवल उसका उल्लेख था। ये सुनते ही मुझे ये लगा कि अगर कुछ लोग उसको बहुत पसंद करते थे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी होंगे जो पसंद नहीं करते हों, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो देश बनाया गया तो उसमें ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत होगी जो उसको शायद पसंद ना करें। तो यहाँ से नाटक का बीज पैदा हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, द्वंद्व पैदा हुआ, और इस द्वंद्व ने नाटक को आगे बढ़ाया, है ना। फिर कुछ अपने अनुभव, कुछ पढ़े हुए अनुभव, कुछ सुनी हुई बातें, कुछ देखी हुई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो पार्टीशन के बाद वहाँ लोग गए और वो बहुत संवेदनशील थे, उन्होंने वहाँ जो देखा कि यहाँ क्या हुआ है तो वो उसको सहन नहीं कर पाए, तो ये जो हमारा किरदार जाता है वहाँ, ये भी जो है वो मानवीय है, ये उसको नहीं सहन कर पाता कि इस बूढ़ी औरत को फिर से कोई मारे, ये मैं नहीं सहन कर सकता। तो इस तरह से ये अनुभव दूसरे प्रकार के जो मैंने पढ़े, जैसे एक व्यक्ति का बड़ा है महत्वपूर्ण अनुभव है कि वो पाकिस्तान जब पहुँचे तो यहाँ भारत में वो कोई सरकारी अधिकारी थे बहुत बड़े, तो वहाँ पहुँचे जब पाकिस्तान तो उससे बड़े अधिकारी बन गए वहाँ, क्योंकि वहाँ तो कोई था ही नहीं, तो उनके अंतर्गत जो लोग थे उन्होंने कहा भाई इनको बहुत अच्छा मकान हम दिलवाएं, तो लाहौर में कहा कि एक बड़ी कोठी है चलिए आप, वो तो हिंदू लोगों की थी, वो चले गए, कोठी खाली है, आपको हम वो कोठी दिलवाते हैं।
तो वो जब कोठी देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा बहुत शानदार कोठी, बहुत बड़ी कोठी है, और डाइनिंग रूम में खाने की प्लेटें सजी हुई रखी हैं, और चम्मच और कांटे और गिलास। मतलब जो लोग भागे वहाँ से वो इस तरह भागे कि वो खाना खाने जाने वाले थे और टेबल के ऊपर प्लेटें लगी थी और उनको भागना पड़ा। तो वो देख करके इनको इतना ज़्यादा इनको दुख हुआ, इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा कि नहीं, इस मकान में मैं नहीं रहूँगा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे इतनी बड़ी कोठी में आप नहीं रहेंगे, तो बहुत बड़ी कोठी है ये। उन्होंने कहा नहीं, इस कोठी में मैं नहीं रह सकता, इससे कम छोटा, इससे कम मुझे दे दो, मैं वहाँ रहूँगा लेकिन वहाँ नहीं रहूँगा। तो उन घटनाओं के बाद भी मानवीयता बची हुई है ना, ये इस नाटक का एक बहुत मुख्य स्वर है। दूसरा, धर्म के नाम पर अक्सर धार्मिक लोग विलेन बनते हैं, खलनायक। ज़रूरी नहीं है कि हर धार्मिक आदमी खलनायक हो। तो इसमें जो धार्मिक आदमी है, जो मुल्ला है, तो वो खलनायक नहीं है। वो धर्म का सही इंटरप्रिटेशन करता है, वो बताता है कि धर्म जो है इंसानियत के लिए होता है, धर्म जो है हिंसा के लिए नहीं होता, इसीलिए बाद में उसकी हिंसा कर दी जाती है। इसमें जो कवि का किरदार है नासिर काज़मी का, जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, वो ये बताता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो मानवता है, सबसे बड़ी चीज़ तो मनुष्य का दिल है, सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है। धर्म और जाति और संप्रदाय और देश और काल, ये सब कुछ उसके आगे कुछ नहीं है। कहता सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आदमी, इंसान का दिल है, इंसान का मन है, जिसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से ये नाटक, इसके दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। कन्नड़ में इसका अनुवाद हुआ है, वो लोग खेलते हैं इसको, तो उन्होंने इसको नाम दिया है रावी किनारे। उन्होंने कहा कन्नड़ में अगर हम अनुवाद करेंगे जिस और ने देखा तो किसी की समझ में नहीं आएगा, इसलिए रावी किनारे के नाम से करते हैं। और दूसरी भाषाओं में करते हैं। वाशिंगटन डीसी में इसका जब 20 साल पूरे हुए थे तो इसका वहाँ एक फंक्शन हुआ था, सिडनी में इसके शो हुए, और बहुत मज़ेदार वहाँ से फीडबैक आई। सिडनी से जिसने किया था, कुमुद मीरानी है वहाँ, प्रोड्यूसर थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक इंटरेस्टिंग फीडबैक आपको भेज रहे हैं, जो लोग आए थे उन्होंने देख के हमें ये लिखा, ईमेल था वो। एक आदमी ने लिखा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ नाटक देखने के लिए गया, मेरी पत्नी को आई डक का ऑपरेशन होना था, आई डक की प्रॉब्लम थी, आँखें सूखी हो जाती हैं, तो उसके लिए कोई नर्व है वो डॉक्टर खोलते हैं। तो उसने कहा कि ये नाटक देख करके इतना अधिक ये रोई, इतना अधिक रोई कि अगले दिन जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो नर्व जो है वो आपकी अपने आप खुल गई है जिसको खोलना था। तो देखिए, नाटक ऑपरेशन भी कर सकता है, ये बात पहली बार मेरे सामने आई, तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि रचना जो है, रचना का प्रभाव मन के ऊपर कितना गहरा होता है कि वो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस भी ले आती है, है ना। लिंचिंग अभी की कहानी है, और इस प्रकार की घटनाओं से को केंद्र बनाकर इससे पहले भी मैंने कहानियाँ लिखी हैं। एक कहानी लिखी है मैंने, ड्रेन में रहने वाली लड़कियाँ, ये भी एक बड़ी विभत्स घटना थी। एक मध्यम, नहीं निम्न मध्यम वर्गीय औरत के चौथी बेटी हुई थी, जिसको उसने अस्पताल में एक पॉट में डाल के और मार डालने की कोशिश की थी, सिंक
चला दिया था ताकि वो मर जाए। तो उससे पूछा था कि तुमने इसको क्यों मारने की कोशिश की, तो उसने कहा कि इसको जो जीवन जीने के लिए मिलता और मेरी मुझे जो प्रताड़ित किया जाता कि मैंने चौथी संतान के रूप में भी एक लड़की को जन्म दिया है, उससे अच्छा था कि ये मर जाए। हाँ, ये घटना थी। इसके ऊपर मेरी कहानी थी ड्रेन में रहने वाली लड़कियाँ। तो ये इमेजिन किया था कि एक पूरा संसार है लड़कियों का जो ड्रेन में रहता है, और अब संसार से लड़कियाँ गायब हो गई, औरतें गायब हो गई, उनकी दुनिया एक नीचे चल रही है ना। तो उस तरह की थी ये कहानी भी जो है, लिंचिंग कहानी है। ये भी एक प्रकार की घटना, जो हमारे कई घटनाएं घटी हैं एक दो ने, उन पर आधारित है। और ये एक मानवीय त्रासदी, ह्यूमन ट्रेजडी की कहानी है कि जहाँ पर एक मनुष्य को बेबस करके उसकी निर्मम हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या, और जो उसका परिवेश है वो परिवेश इतना पुराना है कि वो उसके साथ अपना कोई लिंक बिठा नहीं पाता है ना। देखिए कहानी की समरी तो ये है कि एक लड़का है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, और वो उसकी दादी को जब ये समाचार दिया जाता है तो वो लिंचिंग का उसको पता नहीं है क्या है, तो वो ये समझती है कि शायद उसका कोई प्रमोशन हुआ है, तरक्की हुई है, उसको कोई इनाम मिला है ना। तो वो खुश होती है, और जो लड़के उसको संदेश दे रहे हैं उनसे कहती है कि अल्लाह करे तुम लोगों की भी लिंचिंग हो जाए, मतलब तुम्हारी वो तरक्की मानती हो जाए, है ना, वगैरह वगैरह ये सब कहती है। तो ये क्या है, तो एक बात तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कोई रचना सबकी सबको एक जैसी समझ में आए, है ना, क्योंकि रचनाकार जो है वो किसी को समझाने के लिए नहीं लिखता है ना, कि हम समझा रहे हैं किसी को, समझाने वाली बात नहीं। तो ये कहानी घटना पर आधारित है। अच्छा, ये भी डिबेट है कि घटना पर कहानी नहीं लिखी जानी चाहिए, घटना पर अच्छी कहानी नहीं लिखी जाती है ना, ये भी डिबेट है अपने आप में। लेकिन ये भी है कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं घटना को, दरअसल बात यह है, असली चीज़ है घटना को अप्रोच करना। असली बात ये नहीं है कि किसी घटना पर आप रीसेंट इवेंट पर मत लिखिए। छोटी छोटी कहानियां हैं, पागलखाना प्रसंग। पागलखाना प्रसंग एक। पागलखाने से भागी एक पागल ने घोषणा कर दी कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। पागलखाने का दरवाज़ा टूट गया, पागलखाने के दरवाजे से पागल निकल निकल कर भागने लगे। पागलखाने से भागी एक पागल ने घोषणा कर दी कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, दूसरे ने घोषणा कर दी कि वो रूस का राष्ट्रपति है। तब तो पागलों में राष्ट्रपति बनने की होड़ लग गई। हर पागल ने एक एक देश को चुन लिया और अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित करने लगे, पर किसी पागल ने अपने आप को भारत का राष्ट्रपति घोषित नहीं किया। प्रसंग दो। जब पागलखाने का दरवाज़ा टूटा तो एक पागल आपे से बाहर हो गया। वो इतना खुश हुआ कि उसने एक पुराने जंग लगे ब्लेड से अपनी नाक काट डाली, उसे पागलखाने के दरवाजे पर चिपका दिया और स्वयं राष्ट्रीय गान गाता बाहर निकल आया। तीसरा। एक पागल ने जब देखा कि पागलखाने का दरवाज़ा टूट गया है तो वो फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया कि उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। पूछने पर कि वो इतना क्यों रो रहा है, वो बोला, इस देश में आदमियों के रहने लायक एक ही तो जगह थी, वो भी बर्बाद हो गई। तो पुरानी कहानी है,
दरअसल क्या हुआ है कि मतलब 1947 के बाद हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई तो वो व्यवस्था लोकतंत्र नहीं थी। विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के पावर में आने के बाद जो व्यवस्था बनी वो व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र एक माने में नहीं था। आपको याद होगा कि उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइन ये थी कि ये आज़ादी नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, है ना। अंग्रेज़ों ने जाते जाते अपने जैसे लोगों को पावर दे दी और वो वही काम कर रहे हैं जो वो किया करते थे। वही नौकरशाही है, वही पुलिस है, वही अदालतें हैं, वही कानून है, वही आईपीसी है, कुछ भी नहीं बदला बल्कि ख़राब हुआ। तो ये लोकतंत्र के पतन की गाथा हैं पिछले सत्तर साल भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के पतन की गाथा के रूप में माने जाएंगे। तो मेरी कहानियाँ दरअसल उसी पतन की कहानियाँ हैं। तो ये जो पागलखाना प्रसंग है, कहानी ये है कि पागलखाने का दरवाज़ा टूट गया और पागल निकल करके भागने लगे, है ना। तो पागलों ने क्या किया, पागलों ने कुछ घोषणाएं की, पागलों ने कुछ काम किए और उससे ये लगा कि दरअसल पागलखाने में नहीं, पूरा समाज हमारा पागल है, हमारे पूरा जो समाज है वही पागल हो गया है, केवल पागलखाने के पागल नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पागलखाना, लेकिन ये बता दूं आपको लगभग 30-35 साल पुरानी कहानी है। और उस समय जाहिर सी बात है कि लिखी गई थी कहानी, तो इसीलिए लिखी गई थी कि पूरे समाज में जो लोकतंत्र का विघटन हुआ है, इसमें पागल संसद में भी पहुंच जाता है, एक संसद में पहुंच के वो घोषणा करता है कि भत्ते भरा बढ़ा दिए गए तुम लोगों के, तो संसद में जो लड़ाई हो रही है वो रुक जाती है। पागल की घोषणा के बाद संसद की वो लड़ाई जो है, सांसदों की लड़ाई रुक जाती। तो कहने का तात्पर्य जो है वो यही है कि देखिए, जो समाज में जो वास्तविकता यथार्थ जो घटनाएं जो जीवन होता है वही कहानी में परिलक्षित होता है, उसके अलावा। और मुझे ये दुख है कि अपने स्वभाव के कारण मैं शायद बहुत हार्ड हिटिंग कहानियाँ ही लिख पाता हूँ। मैंने बहुत नाजुक कहानियाँ, जिसे कहते हैं ना, बहुत कोमल कहानियाँ शायद नहीं लिखी होंगी, बहुत कम लिखी होंगी। तो बहुत से कहानीकार मित्र हमारे कहते हैं मुझसे कि तुम्हारी कहानियाँ पढ़ के तो हम लोग डर जाते हैं, ये तो भयानक कहानियाँ हैं, ये तो कहानियाँ जो हैं डरावनी है ना। तो अब ये मजबूरी है कि मेरी नज़र उन्हीं पर पड़ती, तो अपना स्वभाव होता है जिसके कारण आप काम करते हैं।